गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लेकर आए सारी आपकी प्रॉब्लम क्वेरी सेल्फ पेस्ड मॉडल। ध्यान से सुनना। देखो सेल्फ पेस्ड मॉडल में सेट ए और सेट बी की बात करते हैं। सेट ए में आया है लॉ, सेट बी में आया है SCPM, जो ऐसी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन था, उसका नाम चेंज हो गया SCPM, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा, ये पेपर होगा आपका MCQ का, ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 50% मार्क्स लाना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, सबसे मेन बात, मई 24 के एग्जाम के लिए ये आपको अभी नहीं देना है। हाँ, एग्जाम के बाद बिफोर डिग्री आपको ये देना जरूरी है। मतलब आप एग्जाम दे दो पहले मई 24 के, अपने दोनों ग्रुप, ए ग्रुप, जो भी आप देना चाहते हो, उसके बाद आप ये एग्जाम कभी भी दे सकते हो, देना जरूरी है, नहीं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। पर नवंबर 24 और उसके बाद के लिए एग्जाम से पहले इसको पास करना जरूरी है, नहीं तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। राइट, तो अब एक चीज और होती है, सर अगर मेरा मान लो मई 24 में एक ग्रुप निकल गया, एक रह गया, तो नवंबर 24 में आ गए ना आप, तो आपको सेट ए सेट बी दोनों के दोनों क्वालिफाई करने जरूरी हैं। मतलब दोनों क्वालिफाई करने जरूरी हैं, चाहे कभी भी करो, बट अगर मई 24 एग्जाम है तो आप पहले मई 24 का एग्जाम दे दो, उसके बाद डिग्री लेने से पहले आप कभी भी दे दो। परंतु अगर आप नवंबर 24 में अपीयर हो रहे हो इन एनी केस, तो आपको पहले क्वालिफाई करना जरूरी है, तब नवंबर 24 का एग्जाम दे पाओगे। अच्छा, कैसे? ये ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, मेट्रो सिटीज में ये होगा दिन में 2 बार, और जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं उसमें होगा दिन में 1 बार, टोटल 291 ये एग्जाम सेंटर्स हैं। ठीक बात है, तो कभी भी आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आप वहां पर एग्जाम जाके दे सकते हो। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा ये। राइट, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चेंज है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं देखूं सिलेबस की, ये आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में जो हमारा टॉपिक 1 था, चैप्टर 1 सेम है, थोड़ा सा डिटेल आ गया ये। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सेम है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चैप्टर 5 ये न्यू ऐड हुआ है, ये चैप्टर 5 टोटल न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा नया ऐड हुआ है, जैसे पहले कॉस्ट स्पेसिफिक सेंटर, स्पेसिफिक सर्विस सेक्टर था, अब जैसे ये नई चीज आ गई ना आर्टिफिशियल AI वगैरह, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये सारा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 6 में क्या करा इन्होंने, स्ट्रेटेजिक रिवेन्यू मैनेजमेंट, जो हमारा डिसीजन मेकिंग का चैप्टर था चैप्टर 6 और चैप्टर 7 था प्राइसिंग का, वो दोनों मिक्स कर दिए, तो डिसीजन मेकिंग प्लस प्राइसिंग, ये दोनों आपके चैप्टर 6 में आ गए। चैप्टर 7 भी आपका जो था चैप्टर 10, वो आ गया चैप्टर 7 के नाम से, ये आपका पहले वाला था चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर हमारा जो था स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला, ठीक है, चैप्टर 8 ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर 8 था, अब इन्होंने उसी को चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 में डिवाइड कर दिया, वो सेम बिल्कुल। ठीक है, चैप्टर 12 ट्रांसफर प्राइस बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल सेम है, चैप्टर 11 जो था बजटरी कंट्रोल वो डिलीट कर दिया है। ओके, केस स्टडी सेम, तो ये आपका टोटल सिलेबस इन्होंने चेंज करा है। ये मैं आपको नई बुक जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटल के हिसाब से है वो अभी हमें प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो जल्दी आपको मिल जाएगी और नई क्लासेस भी मिल जाएंगी, और जो अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं, ठीक है, जिन चैप्टर की सेम है वो आप अभी ले सकते हो, जो चैप्टर ऐड हुए हैं या जिन चैप्टर में थोड़ा चेंजेज हैं वो मॉडिफाइड करके मैं दे रहा हूँ। ओके, एक बात और, ये सारा पेपर आपका MCQ होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके का होगा, जैसे केस सिनेरियो आपको दे दिया जाए, तो ये आपको केस सिनेरियो दे दिया जाएगा, ये इंस्टीट्यूट की साइट पर अवेलेबल है, समझ गए बात, तो इस तरीके का होगा। राइट, जैसे टारगेट कॉस्टिंग का है, ठीक है, अब इसका आंसर दे देंगे,
ये पूरा केस सिनेरियो दे दिया टारगेट कॉस्टिंग से बेस्ड, सैंपल के तौर पर बस आपको पढ़ना है, ओके राइट, पूरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो जरा। अब आंसर दे दिया, तो अब आपको ये बताना है इसमें कि क्या क्या इसके आंसर होंगे। इस तरीके से आपसे पूछेगा, तो बेटा सबसे पहली बात क्या है कि आपकी मेहनत तो वही है, पहले आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना पड़ता था, प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी, अब वो प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, बस आपको रफ में उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है और इसके आंसर से जो कोई एक टैली होगा उस पर टिक करना है। बात समझ में आ गई, ये है ठीक है। अब जैसे ये आ जाएगा, ये आपका आ गया ठीक है, ये केस स्टडी आ गई, इसके नीचे फिर इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ गए, ऐसे ये केस स्टडी फिर ये आंसर, समझ गए बात को, ऐसे ये केस स्टडी और ये आंसर, ऐसे ये केस स्टडी और ये आंसर, ये क्वेश्चन मतलब, ये देखो ये क्वेश्चन ठीक है, ये उसके ऑप्शन इस तरीके का होगा, एमसीक्यू टाइप। ये जैसे केस स्टडी आ गई आपकी ठीक है, केस सिनेरियो थर्ड, अब इसके बेस पर ये क्वेश्चन आ गए, तो इनके आपको आंसर देने हैं ठीक है, ये एक सैंपल के तौर पर है। दूसरी बात, ये केवल क्वालिफाई पेपर तो है ही, पर इसके साथ साथ जो आपका पेपर नंबर 6 होगा ना, वो भी बहुत ज्यादा इससे लिंक्ड है, जैसे पोर्टर के 5 मॉडल्स होंगे, तो जो केस स्टडी आप यहां पढ़ोगे वो सारी केस स्टडीज आपको कहीं ना कहीं वहां पर भी मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं आपका वो पेपर भी काफी हद तक कवर हो जाएगा, समझ के बात। तो ये पढ़ना तो बेटा पड़ेगा आपको, जैसे पहले पढ़ते थे, बल्कि उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्वालिफाई करे बगैर आप फाइनल एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाओगे, तो ये आपके लिए मस्ट है पढ़ाई, इसको करना ठीक है। चलिए, बाकी कोई क्वेरीज हो इससे संबंधित और, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा फोन नंबर है 9811 374 374, ओके, चलिए, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अभी हम शुरू करते हैं टॉपिक डिसीजन मेकिंग, वो हमारा है नंबर 6A। देखो हमने ना बेटा डिसीजन मेकिंग के टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक पार्ट है जो बेसिक है, जिसके बेस पर आपको पूरी स्टैंडर्ड, पूरी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन समझ में आएगा, पूरी कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये कॉस्टिंग का पूरा बेस है। मतलब इसको अगर हम समझ लेते हैं तो क्या होगा कि एक तरह से हम कॉस्टिंग के बारे में बात कर पाएंगे, थॉट प्रोसेस हमारा डेवलप हो जाएगा। एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, बट बेस बनाने के लिए भी डिसीजन मेकिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक में हमें क्या कवरेज करनी है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर का कोई भी क्वेश्चन आता है ठीक है, या कोटेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, या फिर आता है कोटेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, राइट, यानी डिसीजन बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्टिंग भी कहते हैं। 6B में हम करेंगे अदर डिसीजन, शटडाउन, मेक और बाई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, की फैक्टर विद लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट, और उससे रिलेटेड केस स्टडीज, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिर्फ हमें समझना है बेसिक्स, जो आगे के चैप्टर्स के लिए बेस बनेगा आपका, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको समझना है बेसिक टर्म और हमारी पोजीशन, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कहना चाहते हैं हम, ये कहते हैं मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन्हें कंपनी चलानी होती है, ठीक है। जैसे राजा, राजा को अपना देश चलाना होता है, अब राजा अकेला तो देश चला नहीं सकता, उसके पास उसके मंत्री होते हैं जो सलाहकार होते हैं,
जो समय समय पर उसको सलाह देते रहते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट के पास भी एक मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, ठीक है, और एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर, राइट। जब इन्हें कोई भी डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो वो आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग मैनेजर के पास एक ऑर्डर आया बाहर से कोई कि सर हमें ये यूनिट बना के दो, आपकी कंपनी फर्नीचर बनाकर बेचती है तो हमें ये वाला फर्नीचर चाहिए, आपकी कंपनी मोबाइल फोन बनाकर बेचती है तो हमें ये वाला मोबाइल चाहिए, आपकी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है तो हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर ये ऑर्डर मैनेजमेंट को देते हैं कि भाई मेरे पास एक कस्टमर आया है, आप मुझे बताओ कि मैं उसको कितने रुपए में हाँ करूं। तो मैनेजमेंट कहते हैं जस्ट वेट, वो आपसे पूछेंगे, यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि बताओ उस ऑफर को कितने में एक्सेप्ट किया जाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के तौर पर आप कैलकुलेशन करके बताओगे कि सर इससे कम पर हाँ मत करना, नहीं तो आपको लॉस होगा। तो ध्यान से सुना, वो प्राइस जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को समझाते बताते हैं वो कहलाती है मिनिमम प्राइस, वो कहलाती है बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट। तो वो प्राइस मैनेजमेंट सोचते हैं कि यार इस प्राइस पर तो मुझे कोई लॉस, मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। हाँ, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी तो नहीं होगा। तो वो मार्केटिंग मैनेजर से भी डिस्कस करते हैं, यानी फाइनल डिसीजन उनका होता है कि अच्छा भाई कस्टमर हाथ से ना जाए, अगर मैं इतना मार्जिन जोड़ दूं तो शायद मुझे मिल जाए। वो डिसीजन मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का डिसीजन क्या होता है? सिर्फ मैनेजमेंट को रेफर करना कि सर दिस इज द मिनिमम प्राइस। आप नेगोशिएट आगे करो कि मान लो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने 100 रुपए बता दिया, ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट है इसका 100 रुपए अमाउंट होना चाहिए मिनिमम, ये हमारी कॉस्ट है, रेलिवेंट कॉस्ट है। तो अब मैनेजमेंट देखेंगे, अच्छा ठीक है 120 रुपए कोट कर दो, तो ये बताएंगे नहीं सर 120 रुपए में वो नहीं करेगा, चलो नेगोशिएट तो करो। तो जब नेगोशिएट करते जाएंगे तो अगर कस्टमर कहेगा नहीं कम करो, तो कम करते 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 भाई 115 दे दे, 110 दे दे, बट 100 से कम नहीं जाएंगे, नहीं तो लॉस होगा। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का पार्ट होता है कि मिनिमम प्राइस कोट करना मैनेजमेंट को। फिर मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि आगे कितने में वो उसको फाइनलाइज करें। इनका काम होता है गुड्स बनाना जब ऑर्डर आ जाए तो, फिर उसके लिए कितना मटेरियल चाहिए वो परचेज मैनेजर परचेज करेंगे, ठीक है, और उसके लिए कितने लेबर चाहिए फिर वो एचआरडी डिपार्टमेंट, खैर वो अलग काम होता है। तो हमें क्या समझना है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट की पोजीशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट सजेस्ट, ये बेटा साथ साथ आप नोट कर सकते हो, हाँ जी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्राइस सजेस्ट करते हैं मैनेजमेंट को, दैट शुड बी द मिनिमम प्राइस, एनी प्राइस बिलो द मिनिमम प्राइस वुड बिकम द लॉस, राइट बे। सबसे पहली बात क्या आ गई हमारे पास, हो गया नोट कर लिया ये, हाँ जी, मिनिमम प्राइस किसको कहेंगे हम? मिनिमम प्राइस कस्टमर से नहीं ले रहे हम, ध्यान रखना, मिनिमम प्राइस नॉट सजेस्टेड टू कस्टमर, ठीक है, मिनिमम प्राइस रिकमेंडेड टू मैनेजमेंट। तो सबसे पहली हमारे पास टर्म आई, इसको कहते हैं बेसिक टर्म, राइट। क्या कहना चाहते हैं हम, हाँ जी, मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, ओके, क्या कहना चाहते हैं इसमें, हाँ जी, मिनिमम प्राइस मींस द प्राइस बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट, प्राइस बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट एंड सजेस्टेड रिकमेंडेड टू मैनेजमेंट, नॉट टू कस्टमर, नॉट ऑफर टू कस्टमर,
भाई मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हम नहीं करते हैं कस्टमर को ऑफर, हम किसको करते हैं, हम किसको ऑफर करते हैं, हम किसको सलाह देते हैं, मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट चाहे तो कस्टमर से उतना ले या ज्यादा ले, राइट भाई, कम ले वो उनकी इच्छा है, उन्हें कंपनी चलानी है, फ्री में दे हमें क्या मतलब। तो वट एवर प्राइस मैनेजमेंट वुड लाइक टू चार्ज फ्रॉम कस्टमर, दैट इज देयर प्रॉब्लम। हमारा काम सिर्फ मिनिमम प्राइस रेफर करना होता है मैनेजमेंट को। क्लियर बेटा? चलिए, वो प्राइस जो हम, ये हमारी पोजीशन है, ध्यान रखना, यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी, यू आर नॉट द किंग। किंग तो मैनेजमेंट है, हम तो सिर्फ उनको सलाह देंगे, भैया इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, इधर जाओगे तो ये नुकसान, इधर जाओगे तो ये फायदा। ठीक है, हम तो हमेशा फायदे की बात करेंगे, जिसमें फायदा वही हमारा कायदा। ठीक है, चलिए ये पार्ट क्लियर हो गया, नोट कर लिया। हाँ जी, आगे चलते हैं हम, ऑफर किसे कहते हैं हम, ऑफर, ऑफर का मतलब क्या कहना चाहते हैं हम, ध्यान से सुनना। कोई भी कंपनी के पास ऑफर आता है तो इसका मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग ही होता है कि कंपनी के पास कोई भी कस्टमर आता है रेगुलर मार्केट से, भाई जैसे हम मोबाइल बनाकर बेच रहे हैं, ठीक है, हम पेन बनाकर बेच रहे हैं, फर्नीचर बनाकर बेच रहे हैं, बाइसिकल बनाकर बेच रहे हैं, टॉय बनाकर बेच रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, टॉय बनाकर बेच रहे हैं अपने लोकल मार्केट में। ठीक है, सपोज एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है, वो लोकल मार्केट में, वो लोकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, मान लो 500 रुपए का टॉय बेच रहे हैं, एक सपोज सेलिंग प्राइस एमआरपी, ठीक बात है। अब अगर लोकल मार्केट से ही, डोमेस्टिक मार्केट से ही कोई कस्टमर आता है तो कोई डिसीजन वाली बात ही नहीं आएगी, हम डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, तो डिसीजन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा ना, क्यों सर, अरे भाई जो प्राइस है उसी प्राइस पर आपको देंगे। अगर कोई नया कस्टमर दूसरी मार्केट से आता है जहां पर हमारी कोई पोटेंशियल नहीं है अभी, उसको हम कम से कम प्राइस में देना चाहेंगे क्योंकि वहां हमारी मार्केट ही नहीं है, तो हमारा जो सेल्स मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होंगे, वो कहेंगे मैनेजमेंट को कि सर यहां मार्केट नहीं है, यहां पर हम अभी मार्केट जमाने के लिए कम से कम प्राइस पर अगर देंगे तो हमारी सेल यहां भी डेवलप हो पाएगी। तो मैनेजमेंट के पास एक डिसीजन वाली बात है, इच्छा सोचते हैं जरा क्या करें, क्योंकि ये सोच कि हम कम दें लोकल मार्केट में नहीं हो सकता, प्राइस डिस्क्रिमिनेंस नहीं हो सकता, प्राइस डिस्क्रिमिनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि भेदभाव करोगे तो मार्केट खराब हो जाएगी। एक कस्टमर को बेचोगे 450 में, एक को 475 में, एक को 500 में, तो लड़ाई हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो लोकल मार्केट में तो प्राइस सेम रखनी पड़ेगी, वहां कोई डिसीजन होगा ही नहीं। तो जब कोई भी प्रोडक्ट का ऑफर जो हम रेगुलर बना के बेच रहे हैं दूसरी मार्केट से आता है, तब हमें डिसीजन लेना होता है कि हम उसको कितने रुपए में बेचें, उसको ऑफर कहते हैं। अच्छा, या फिर एक कस्टमर आया, वो कहता है कि सर मुझे कस्टमाइज टॉय बना के दो जिसमें ये वाले फीचर्स हो, तो अगर उसके हिसाब से बना के देते हैं तो वो एक नया प्रोडक्ट हो गया, उसमें हम मिनिमम प्राइस कितना ले, वहां हमारा डिसीजन, वहां हमारे डिसीजन की बात आती है। ठीक है, तो इसका मतलब उसको ऑफर कहते हैं। तो ऑफर कैसे कहेंगे हम, ऑफर में ही तो डिसीजन होगा, डिसीजन कभी रेगुलर प्रोडक्ट का नहीं होगा। तो ऑफर मींस द क्वांटिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट का ऑफर आया विद न्यू फीचर्स, विद न्यू फीचर्स,
कस्टमाइज्ड, कस्टमाइज कह सकते हैं इसको ना, कस्टमाइज तरीके से, ठीक है, वो चाहे सेम मार्केट से हो और सेम प्रोडक्ट, और सेम प्रोडक्ट फ्रॉम न्यू मार्केट, सेम प्रोडक्ट फ्रॉम न्यू मार्केट, राइट, या वही प्रोडक्ट आए पर मार्केट नहीं हो तो उसको हम ऑफर कहेंगे. देन डिसीजन विल अराइज, देन डिसीजन विल अराइज, देन डिसीजन अराइज, तब हमारा कोई डिसीजन अराइज होता है, राइट. अगर सेम प्रोडक्ट का ऑफर सेम मार्केट से आ रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग की बात नहीं है, उसको ऑफर कहते हैं हम यहां पर, जो नया प्रोडक्ट हो या मार्केट डिफरेंट हो, ठीक है. इफ इफ कंपनी रिसीव्स, राइट, एंड ऑर्डर फ्रॉम सेम मार्केट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट, राइट बे, अगर उसी मार्केट से आया जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, देन नो डिसीजन मेकिंग राइज, नो डिसीजन मेकिंग, मतलब ये एक आपको कॉमन सेंस डेवलप करनी है, नो डिसीजन मेकिंग अकर, राइट. तो उसको हम ऑफर की परिभाषा में नहीं लेते हैं, उसको हम ऑफर की परिभाषा में नहीं लेते हैं, नो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो सिर्फ एमआरपी पर बिकेगा, उसकी सिंपल एमआरपी होगी, एमआरपी इज एप्लीकेबल, चलिए बेटा यहां तक दोनों बातें समझ में आ गई आपको. हाँ जी, इतना आप नोट कर लीजिए. इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग में मिनिमम प्राइस किस आधार पर कोट करें, ऑन व्हाट बेसिस मैनेजमेंट अकाउंटेंट वुड लाइक टू कोट मिनिमम प्राइस, ठीक है, किस आधार पर हम मिनिमम प्राइस को कोट करें, तो वो होती है रेलिवेंट कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट काम, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने दिमाग में क्या रखेगा, ये कॉस्ट काम की है, ये कॉस्ट तो बेकार है, तो उसके आधार पर, उसके बेस पर वो मैनेजमेंट को सलाह देगा कि भी आप जो नया ऑफर आया है कस्टमाइज, वो इससे कम पर एक्सेप्ट मत करना, राइट, सही सलाह देगा. ओके, नोट कर लिया, चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर. दो टर्म, दो आपको कॉस्ट समझनी है, एक रेलिवेंट कॉस्ट, जो काम किया है, और जो काम की नहीं है वो संक कॉस्ट. ओके, राइट, वो कॉस्ट जो मुझे कंसिडर करनी है, लेनी है, भाई आप जैसे कहते हैं ना, एक ग्रुप है, इसमें से छांट लो जिसको आपको टीम बनानी है, इसमें से छांट लो जिनको छोड़ना है, मतलब तो कॉस्ट में से छांट लो जो आपको मिनिमम में ऐड करनी है वो रेलिवेंट, और जो छोड़नी है वो संक. तो समझना पड़ेगा ना, कौन सी छोड़नी है कौन सी लेनी है. तो सबसे पहली बात हम क्या कहते हैं, वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में काम की हो, वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में काम की हो वो रेलिवेंट कहलाएगी, वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में काम की ना हो, बेकार हो, समझ गए भाई, ये तो कॉस्ट मेरी बेकार है, इसका तो मुझे कुछ मत लेना देना ही नहीं है, तो वो कहलाएगी संक कॉस्ट. जिस कॉस्ट का हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे संक कॉस्ट, यानी बेकार की कॉस्ट. तो सबसे पहली बात आई, द कॉस्ट विच हैव नो रेलिवेंस फॉर द डिसीजन संक, विच हैव इंफ्लुएंस ऑन द डिसीजन फॉर
फॉर द डिसीजन मेकर कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट. पहले मैं इतना लिखता हूं. हाँ जी, द कॉस्ट विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट. और यहां क्या कहोगे, कॉस्ट विच हैव नो रेलिवेंस, विच हैव नो रेलिवेंस ऑन डिसीजन मेकिंग. यानी मैं उसको इग्नोर करता हूं. डेट कॉस्ट ऑलवेज इग्नोर. हाँ जी, वो कॉस्ट जो काम की है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग ऑफ डिसीजन मेकर. जो कॉस्ट डिसीजन मेकर के डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, उसको छोड़ दो, इग्नोर करो. ये हमेशा काम की होगी, ये हमेशा इग्नोर. अब कौन सी कॉस्ट काम की होगी, कौन सी कॉस्ट बेकार होगी, ये मुद्दा है. तो जो कॉस्ट हमारी फ्यूचर में इनकर होगी, यानी फ्यूचर कॉस्ट, यानी फ्यूचर कॉस्ट राइट, जो भविष्य में खर्च होगी राइट, यानी कॉस्ट टू बी इनकर्ड. जानते समझना जरा प्लीज है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. ठीक है, ध्यान से सुना, ऑफर की वजह से, ऑफर की वजह से जो मेरी खर्च होगी टू बी. अगर ऑफर नहीं आता तो मैं ये खर्च नहीं करता, अगर तुम साथ में नहीं होते तो मैं ये पैसा खर्च नहीं करता. वो कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट जो भविष्य में होगी, वो रेलिवेंट है राइट. मतलब यह हम कह सकते हैं, जो कॉस्ट हर ऑल्टरनेटिव में डिफरेंट है, डिफरेंट इन ईच ऑल्टरनेटिव, सोचो जरा. मैं एग्जांपल देता हूं, पहली बात इसका कि सर मुझे एक आइटम परचेज करना है, मुझे एक यूनिट परचेज करना है, वो शॉप नंबर वन से मिलेगा 2 रुपए का. मुझे इनपुट परचेज करना है, वो शॉप नंबर वन से मिलेगा 2 रुपए का, और वही शॉप नंबर 2 से मिलेगा 2 रुपए का, वही शॉप नंबर 3 से मिलेगा 2 रुपए का. तो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ईच ऑल्टरनेटिव का मतलब ईच ऑल्टरनेटिव, हर ऑल्टरनेटिव में अगर अलग अलग है तो काम की है, अन्यथा बेकार है. तो मुझे वो आइटम परचेज करना है, मुझे डिसीजन क्या लेना है कि कहां से खरीदूं. जानते सुनो, डिसीजन क्या है, कहां से खरीदूं राइट, फ्रॉम वेयर वी शुड परचेज. तो डिसीजन में कोई हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि सर कहीं से भी लो सेम है. मतलब ये कॉस्ट आपके हाथ पकड़ के नहीं ले जा रही कि भैया आ जाओ जाओ यहां से लो, ये मेरे काम की नहीं है. मतलब मैं कहां से लूं फिर अन्य बातों पर निर्भर करेगा. तो ये कॉस्ट मेरी रेलिवेंट नहीं है, नॉट रेलिवेंट, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं दिखा रही. हां, अगर यहां से मिले 2 रुपए का, यहां से मिले 2 रुपए 10 पैसे का, यहां से मिले 2 रुपए 20 पैसे का, नहीं भाई, तो आप क्या कहोगे, जिसमें फायदा वही कायदा, आप शॉप नंबर वन से ले लोगे. तो ये रेलिवेंट कहलाएगी राइट भाई. तो दो बातें हो गई, फ्यूचर में खर्च करनी है तो फ्यूचर कॉस्ट हो गई, फ्यूचर कॉस्ट होगी, और हर ऑल्टरनेटिव में डिफरेंट होनी चाहिए. सोचो अगर मैं शॉप नंबर वन से खरीद चुका या शॉप नंबर 2 से खरीद चुका, तब थोड़ा ना सोचोगे
कि मैं कहां से खरीदू। अभी भाई तो खरीद चुके ना, तो खरीदने से पहले निर्णय लेते, तो डिसीजन मेकिंग में जो काम की हो वो रेलिवेंट होती है, और फ्यूचर में खर्च होनी होगी तभी काम की आएगी। क्लियर पांडे? तो हर ऑल्टरनेटिव में डिफरेंट होनी चाहिए, और फ्यूचर कॉस्ट, दो बातें हो गई, एक तो फ्यूचर कॉस्ट और हर ऑल्टरनेटिव में डिफरेंट, तभी वो कॉस्ट काम की मानी जाएगी। क्लियर बेटा? अच्छा संक संक क्या कहेंगे, पास्ट कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट जो इनकर्ड हो गई डिसीजन लेने से पहले ही। भैया अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहेंगे, यार तुम मुझसे पहले पूछना था ना भाई कि मैं काम करूं नहीं करूं, अब तो आपने पैसा खर्च कर दिया ना, अब क्यों रो रहे हो? मकान बनाना है भाई, मैनेजमेंट कोई गेस्ट हाउस बनाना है, तो उन्होंने क्या करा, नक्शा तो बनवा लिया आर्किटेक्ट से, 10,000 रुपये खर्च कर दिए, अब वो आपसे पूछ रहे हैं ना सीमेंट रेता ब्रिक्स ये कॉस्ट जोड़ के बताओ, तो मुझे कस्टमर को बताना है, तो आप क्या कहोगे, सर जो आपने नक्शे का अमाउंट खर्च कर दिया आर्किटेक्ट्स को, तो वो तो अब गई ना कॉस्ट, अगर मैं मना करूंगा तो वो वापस तो ना करेगा कोई, ठीक है? तो वो कॉस्ट आपकी संख्या, अब आपके आगे के डिसीजन में किसी काम की नहीं है। तो पास्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कॉस्ट इनकर्ड, ऐसे कहते हैं पास्ट टेंस, राइट, कॉस्ट इनकर्ड बिफोर टेकिंग द डिसीजन, बिफोर टेकिंग द डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले जो आप कॉस्ट खर्च कर चुके, राइट, अब पछतात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहते हैं ना भाई, अब क्या फायदा, मतलब उस कॉस्ट का आप कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप डिसीजन लेने से पहले वो कॉस्ट खर्च कर चुके हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, नहीं भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, मार्केट में लॉन्च करना है, तो आपने पहले 2 लाख रुपए खर्च कर दिए ये जानने में कि इस प्रोडक्ट का भविष्य क्या होगा, ये प्रोडक्ट कितना बिकेगा, कौन कौन किस किस मार्केट में ये मैं बेच पाऊंगा, और क्या ये फीचर कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, कस्टमर क्या नए फीचर चाहते हैं इसमें, और इस बात को जानने के लिए 2 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, कॉस्ट इनकर्ड। अब मैनेजमेंट आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा मुझे बताओ कि ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूं या नहीं करूं, अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो इतने में बिकेगा, और आगे का खर्चा मटेरियल लेबर ओवरहेड इतने आएंगे, समझ रहे बात को? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप हो, तो आप कहोगे कि सर देखो एक ध्यान से सुना, मटेरियल इतना खर्चा आएगा, हाँ जी 100 रुपये पर यूनिट, लेबर का खर्चा इतना आएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स इतने आएंगे, ठीक है ये खर्चा होगा, ठीक है भाई, तो 800 रुपए का खर्चा तो होगा इसमें, समझ रहे? अब अगर ये वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी होगी, मान लो क्वांटिटी मान लेते हैं हम सपोज 10,000, तो क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट 2 लाख रुपए का बर्डन जोड़ेगा इसमें, R&D का खर्चा जोड़ेंगे कि सर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, कि 2 लाख का खर्चा 10,000 यूनिट के लिए, हाँ जी 20 रुपए, क्या जोड़ेंगे वो कि अगर ये कहें सर जी मेरी कॉस्ट तो 820 रुपए की आ रही है, आप अगर मार्केट में बेचो तो इससे ज्यादा बेचना, अब मैनेजमेंट कहते हैं कि अरे भाई मार्केट में तो बिक रहा बिकेगा, ये अंदाजा लगाया है 805 रुपए में, तो अगर मैं ये जोड़कर बताता हूं तो मैनेजमेंट तो डिसीजन ले लेंगे भैया ड्रॉप करो प्रोडक्ट को, 820 तो कॉस्ट है, 805 रुपए, तो भैया डिसीजन गलत हो जाएगा, डिसीजन गलत हो जाएगा, क्यों, अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च ना करूं भाई तो भी तो ये खर्चा गया मेरी जेब से,
अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च ना करूं तो भी तो मेरी जेब से गया नहीं। तो आप डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन सोचने के लिए कि मैं करूं नहीं करूं, निर्णय लेने के लिए ये कॉस्ट इग्नोर मारोगे यार, ये तो गई ना। अब जो पैसा खर्च होगा और जो मिलेगा उस पर ध्यान दो, तो ये मेरी कॉस्ट रेलिवेंट होगी, ये मेरी कॉस्ट रेलिवेंट होगी, और ये कॉस्ट क्या कहलाएगी, संक। तो संक को इग्नोर करना है, बोलो क्लियर हो गया पांडे, संक को इग्नोर करना है, तभी आप सही निर्णय ले पाओगे। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन, राइट भाई। ये नहीं कि सिंपल जस्ट टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एंड देन प्राइस कंपेयर, नहीं, आपको वो कॉस्ट छोड़नी पड़ेगी एक सही निर्णय लेने के लिए जो या तो इनकर हो चुकी है या फिर जिसका होना निश्चित है। अब आगे चलते हैं। अब ये नहीं मैं कह रहा कि केवल पास्ट ही हमारी संक है, ये नहीं मैं कह रहा, वो वाली फ्यूचर कॉस्ट जिसका निर्णय हो चुका वो तो खर्च होनी ही है, वो भी मेरी संक है, राइट भी। अब आगे चलते हैं, सेकंड, फ्यूचर कॉस्ट भी संक है। कौन सी फ्यूचर कॉस्ट, जिसका ऑब्लिगेशन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका, ऑब्लिगेशन ऑफ विच हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, जिसका ऑब्लिगेशन हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, मतलब वो भविष्य में जो खर्च होगी पर वो निश्चित हो गई आज कि भैया ये तो खर्चा होना ही होना है, ठीक है भाई, काम करोगे तो खर्चा होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, वो रेलिवेंट है, काम करें या ना करें ये निश्चित होनी है, वो हमारी संक होती है, ठीक है, यानी इट विल रिमेन सेम, इट विल हैव टू इनकर, इट विल हैव टू इनकर, इनकर मतलब खर्च करनी पड़ेगी, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजन, मतलब आपका निर्णय कुछ भी हो ये तो आपको खर्च करनी पड़ेगी, तो वो संख्या इग्नोर करो, दैट शुड बी इग्नोर फॉर डिसीजन, तभी आपका डिसीजन सही होगा, नहीं तो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, राइट right? जैसे फॉर एग्जाम्पल परमानेंट लेबर कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट लेबर कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट लेबर कॉस्ट, लेबर को आपने पैसे देनी है चाहे आपके पास काम हो या ना हो, मतलब जो लेबर आपके परमानेंट है जिनसे आपने एग्रीमेंट कर लिया कि भैया अगर कभी काम नहीं होगा तो भी आपको खाली बैठाकर पैसे देंगे, ठीक है, हाँ जी, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, आपकी फैक्ट्री में काम हो या नहीं हो, आपने तो 9 साल के लिए लीज पर ले ली फैक्ट्री, किराया तो आपको देना पड़ेगा, मैनेजर सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी, भैया आप काम करो नहीं करो मैनेजर तो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, ये तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे चाहे आप काम करो या ना करो। तो लेबर से हम कई बार एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये लेबर चले ना जाए, फिर हमें दोबारा लेबर ढूंढने पड़ेंगे, ये अच्छे हैं परफेक्ट है, तो हम उनसे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई देखो अगर हमारे पास 2 दिन काम नहीं हुआ तो आप कहीं और नहीं जाना, हम आपको उसके पैसे देंगे, हम आपको लिखित एग्रीमेंट दे देते हैं, तो अगर फ्यूचर में काम नहीं होगा तो भी आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कॉस्ट कहलाती है संक। क्लियर हो गया बात बेटा, एक बार इसको इतना उतार लो, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हो गया, नोट कर लिया बेटा, चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इस पर, उससे और क्लियर हो जाएगा, देखिए, हाँ जी, एक एग्जांपल लेते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास
एक्स एंड वाई एक कंपनी है, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं ये, ध्यान से सुनना, ये कहते हैं ये एक रेगुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये एक रेगुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके। टोटल इनके पास फैक्ट्री में कैपेसिटी है, ये हमारे पास फैक्ट्री, इसमें कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की, ठीक है, पर मंथ। अभी हम यूटिलाइज कर रहे हैं 8,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं पर मंथ। 2,000 की स्पेयर कैपेसिटी है, इसका मतलब, 2,000 की हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, ओके। अच्छा, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? कॉस्ट स्ट्रक्चर वो ये कहते हैं, मटेरियल 100 रुपए का लगता है, ठीक है, लेबर 200 रुपए की पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 300 रुपए के, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड क्या आ गया इसमें, फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सारे आ गए। तो ये कहते हैं फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर की सैलरी सब मिलाकर ये इनके हैं 2 लाख रुपए पर मंथ। इसमें क्या क्या आ गया, फैक्ट्री का रेंट आ गया, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फैक्ट्री का रेंट है भाई, मकान मालिक को रेंट तो देना ही है पर मंथ, मैनेजर की सैलरी है जो मुझे देनी देनी है, डेप्रिसिएशन है, एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे खर्चे इसमें शामिल है 2 लाख रुपए में। तो 2 लाख रुपए का बर्डन हम, 2 लाख रुपए का बर्डन हम डाल देते हैं बेसिकली 8,000 यूनिट पर, क्योंकि मैं 8,000 बना रहा हूं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं 2 लाख रुपए का बर्डन, ध्यान से सुनना, 8,000 यूनिट पर फैला दिया, ठीक है, 2 लाख रुपए का बर्डन 8,000 यूनिट पर फैला दिया, तो ये आगे 25 रुपए पर यूनिट, ठीक है, क्लियर पार्ट में। ये टोटल कॉस्ट आ रही है, अब ध्यान से सुनना, इस कंपनी के पास एक ऑफर आया है, इस कंपनी के पास एक ऑफर आता है, राइट भाई, दूसरी मार्केट से, इस कंपनी के पास एक ऑफर आता है, यानी नई मार्केट से ऑफर आया है सेम प्रोडक्ट का, ठीक है, राइट। अब मैनेजमेंट आपसे पूछ रही है कि बताओ व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, ठीक है। सेल्स मैनेजर ने यह भी कहा है कि सर देखो वो कस्टमर ना आपको 610 रुपए देगा मिनिमम प्राइस, वो कस्टमर इससे ज्यादा नहीं देगा। तो मैनेजमेंट सोच रहे हैं कि और एक बात बताओ, 625 रुपए तो कॉस्ट है, 610 रुपए वो देगा, भाई मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उसको दूंगा। तो आप कौन हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप कहोगे सर रुको 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 अभी निर्णय मत लो, ठीक है। आप क्या कहोगे, देखो सर अगर वो ऑफर आता है, आप ध्यान से सुनना, तो क्योंकि दूसरी मार्केट से है, ठीक है, तो डिसीजन की बात आई, तो आपका क्या जेब से जाएगा, 100 रुपए जेब से जाएंगे, 200 रुपए लेबर को दोगे, 300 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पावर वगैरह, तो आपकी जेब से तो 600 ही जाएंगे ना। अगर ऑफर ना लो तो भी तो भाई फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में खर्च होंगे ही होंगे भाई। देखो ये लड़ाई नहीं है अभी हमारी कि 2 लाख रुपए का बर्डन 8,000 पर डालें या 10,000 पर डालें, दो तो टोटल में होना ही होना है। तो आप मैनेजमेंट को समझाओगे कि सर ये फिक्स कॉस्ट तो टोटलिटी में जानी ही है और आप खाली बैठे हो, और आप खाली बैठे हो, इतनी आपके पास कैपेसिटी खाली है, यहां 2,000 की कैपेसिटी खाली है, तो क्यों ना 2,000 की कैपेसिटी में अगर ऑफर आता है
2000 या 2000 से कम का, तो मेरे हिसाब से तो 600 रुपए में आपको वो काम मिनिमम अगर 600 रुपए दे तो भी कर ले, वो तो 610 दे रहा है। तो ये कॉस्ट कहलाएगी रेलिवेंट और ये कहलाएगी संक कॉस्ट, राइट भाई। तो आप क्या कहोगे, ध्यान से सुनना, आप कहोगे ऐसे बना के दोगे मैनेजमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। हाँ जी, कैसे बना के दोगे, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर की वजह से जो पैसा खर्च होगा, ऑफर की वजह से जो पैसा खर्च होगा वो ले लो, राइट, मटेरियल। ऑफर की वजह से कौन सा पैसा खर्च हो रहा है आपका, मटेरियल 100 रुपए पर यूनिट, लेबर 200 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 300 रुपए पर यूनिट, यानी कम से कम 600 रुपए में भी दे तो भी नुकसान नहीं है, और वो तो 610 दे रहा है, क्या फायदा 25 रुपए जोड़कर ऑफर रिजेक्ट हो जाए, 10 रुपए जो कमाई होती है वो भी जाए। तो इसलिए जो कॉस्ट संक है उसको मत जोड़ो डिसीजन मेकिंग में, तो डिसीजन मेकिंग में इसको नाम दे देंगे संक, क्योंकि ये आपके निर्णय को भ्रमित करेगी, ये तो अदरवाइज भी होनी है, समझ में आ गई बात। दिस वुड बी द मिनिमम प्राइस, दिस वुड बी द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये रेकमेंड करेंगे मैनेजमेंट को, ये रेकमेंड करेंगे मैनेजमेंट को, कस्टमर से इतना पैसा चार्ज कर ले, मिनिमम प्राइस, ठीक है। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड क्या कहेंगे हम, हाँ जी फिक्स्ड ओवरहेड क्या कहोगे, कितने रुपए हमारे टोटल में लाकर 2 लाख रुपीज, जो 8000 रुपए यूनिट पर डाला है बर्डन, डेट इज 25 पर यूनिट, ठीक है। विल कंटिन्यू टू अकर, विल कंटिन्यू टू अकर विद द सेम अमाउंट, विद द सेम अमाउंट, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजन, यानी हमें नया काम, नया प्रोडक्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं, ये तो टोटल में इनकर होंगे, इसलिए क्या है संक कॉस्ट, इग्नोर फॉर डिसीजन मेकिंग। तो क्या कह के इग्नोर करोगे, संक कॉस्ट शुड बी इग्नोर, शुड बी लेफ्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। ये मत कहना सर रेंट का बर्डन भी तो जाएगा उसके ऊपर, भाई अगर वो नहीं बनाऊंगा तो भी तो इनकर होगा, तो डिसीजन मेकिंग के लिए, ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग, मुझे 25 रुपए इनकर, मुझे 25 रुपए कॉस्ट में नहीं जोड़ने चाहिए, अगर जोड़ोगे तो डिसीजन आपका गलत हो जाएगा, 625 हो जाएगा, कस्टमर देने को तैयार है 610, तो ये जोड़कर आपका निर्णय गलत हो रहा है, जो 10 रुपए कमाते वो भी नहीं कमा पाओगे जस्ट इसको जोड़कर, तो क्या फायदा। इसलिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने से पहले इनको सोच लो, बोलो क्लियर हो गया बेटा पार्ट। तो ये फैक्ट्री का रेंट, मैनेजर सैलरी, राइट, ये कौन सी कॉस्ट है फ्यूचर में इनकर होंगी, ऑलरेडी डिसाइडेड है, रेंट तो देना ही है ना हर महीने, पास्ट नहीं है बट फ्यूचर है, ठीक है, पास्ट नहीं है बट फ्यूचर है, तो इसलिए आपको ये तो कॉस्ट देनी ही होगी। बोलो बिल्कुल क्लियर है पार्ट। ऐसे अगर हम कहें पास्ट कॉस्ट जो डिसीजन से पहले इनकर हो गई, ये नोट कर लिया, जैसे R&D का खर्चा, भाई आपने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रिसर्च करवा लिया उन्होंने कि हम फ्लैट बनाकर बेचेंगे, तो इस एरिया में देखो कितने लोग खरीद लेंगे, ठीक है, तो R&D का हमने खर्चा कर लिया 2 लाख रुपए, आर्किटेक्ट को भी दे दिए 1 लाख रुपए कि भैया तो नक्शा बना दे जरा, फिर आपको बुलाया, अच्छा बताओ इस सोसाइटी में इतनी जगह में मुझे फ्लैट बनाने हैं, ठीक है, तो मुझे फ्लैट बनाकर बेचने में फायदा भी होगा या नहीं होगा,
एक फ्लैट की कॉस्टिंग कम से कम कितनी आएगी, राइट? चलो हो गया, नोट कर लिया? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए सेकेंड एग्जांपल ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, अंसल, इनके पास एक प्रोजेक्ट है, कि एक सपोज गेस्ट हाउस बनाना है, छोड़ो पूरा नहीं, एक एक ही गेस्ट हाउस बना के देना है, ठीक है, एक प्लॉट है, इस पर गेस्ट हाउस बनाकर देना है, ठीक है, ये एक प्लॉट है, ठीक है, 100 square yard का, 100 गज का प्लॉट है, इस पर गेस्ट हाउस बना के देना है। तो पहले इन्होंने क्या करा, डिजाइन बनवा लिया, डिजाइन की कॉस्ट बनवा ली, कि भाई ग्राउंड फ्लोर पर हॉल होगा, फर्स्ट फ्लोर पर इतने रूम्स होंगे, सेकंड पर इतने रूम्स, यहां पर किचन हो गए, यहां पर वॉशरूम, यहां पर गार्डन, सब कुछ ऐसा बनवा, नक्शा बनवा लिया, और 2 lakh rupees हमने खर्च कर दिए, राइट? ये कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड, राइट, बिफोर टेकिंग द डिसीजन। अभी मैंने फाइनल निर्णय नहीं लिया है कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, पर मैंने 2 lakh rupees आर्किटेक्ट को पे कर दिए कि मैं नक्शा बना के दो मुझे, ठीक है, उसने नक्शा बना के दे दिया। चलो अब मैनेजमेंट सोच रहे हैं, मैनेजमेंट क्या सोच रहे हैं कि यार मैं ये प्लॉट, ये गेस्ट हाउस बनाऊं या नहीं बनाऊं, फायदेमंद है भी या नहीं है। तो मैनेजमेंट ने आपसे पूछा है क्या, कि ये गेस्ट हाउस अगर मैं बनाऊं तो कस्टमर से कितने पैसे चार्ज करूं? तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप हो, आप कहोगे सर इस गेस्ट हाउस बनाने में प्लॉट की कॉस्ट, भाई बनाओगे तो खर्चा करोगे, ठीक है, मान लो 20 lakh rupees, इसमें मटेरियल लगेगा, सीमेंट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह, 5 lakh rupees के तो मटेरियल लग जाएगा, लेबर 4 lakh rupees, ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स 1 lakh rupees, राइट, इसमें सब आ गया है। अब जो सुपरवाइजर रखोगे, ध्यान रखना सुपरवाइजर, अच्छा अलग से ले लेते हैं, चलो सुपरवाइजर फीस जो रखोगे आगे उसकी 1 lakh rupees, तो ये खर्चा होगा, ठीक है, 31 lakh rupees आपके खर्च होंगे। अब आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, क्या कहोगे मैनेजमेंट को कि क्या 31 lakh rupees और 2 lakh rupees डिजाइन के, इसी के लिए तो मैंने बनाया था डिजाइन, यहीं से नहीं चार्ज करूंगा तो कहां से करूंगा? आप बताओ सोच समझ के, क्या मैनेजमेंट को यह बोलूं 33 lakh rupees से कम मत ले, नहीं तो लॉस होगा। अगर मान लो मैनेजमेंट को यह ऑफर, ये सजेस्ट कर दिया जाए और मैनेजमेंट के पास कस्टमर की कोटेशन आ जाए, कस्टमर की कोटेशन आ जाए बाद में कि नहीं 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 हम तो आपको 31 lakh 50 hazar rupees दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो मैनेजमेंट कहेंगे 33 lakh तो मेरा खर्चा है, 31 lakh 50 hazar rupees में मैं क्यों काम करूंगा, मैं मूर्ख थोड़ी ना हूं। तो आप कहोगे सर जी गलत हो रहा है, ये खर्चा तो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, सॉरी, अब अगर आप ये काम नहीं करोगे तो भी आपकी जेब से चला गया, 31 लाख खर्च करोगे और अगर 31 लाख मिल जाए तो भी कोई मेरे हिसाब से लॉस नहीं है, और वो तो 31 lakh 50 hazar दे रहा है, तो ये कॉस्ट आपकी क्या है, रेलिवेंट है ये काम की कॉस्ट आपकी। तो आप कहोगे केवल 31 लाख भी मिल जाए तो भी ठीक है, ये आप मत जोड़ो, इसको बोलोगे संक कॉस्ट। बोलो समझ में आ गई पा? तो मिनिमम प्राइस शुड बी 31 lakh, राइट भाई? तो आप कहोगे मिनिमम प्राइस वुड लाइक टू चार्ज फ्रॉम कस्टमर 31 lakh इंस्टेड ऑफ 33 lakh,
इंस्टेड ऑफ 33 लाख। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये कहलाएगा कॉस्ट टू बी इनकर, और ये कॉस्ट इनकर्ड। तो डिसीजन मेकिंग के पार्ट में, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मुझे चलना है और सही निर्णय लेना है, तो वो कॉस्ट आपको मिनिमम प्राइस के कॉन्सेप्ट में नहीं जोड़नी चाहिए, जो आपके निर्णय को भ्रमित करे, गलत दिखा दे, उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। बोलो बेटा यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो संक होती है या तो पास्ट या फ्यूचर जिसका ऑब्लिगेशन पहले डिसाइड हो चुका हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। रेलिवेंट जो काम की हो, यानी जो ऑफर की वजह से मैं खर्च करूं। ठीक है, तो अब रेलिवेंट कॉस्ट को मैं आगे लेके चलता हूं, ये नोट कर लो इतने। हाँ जी, कॉस्ट जो ऑफर की वजह से खर्च हो, जो ऑफर की वजह से खर्च हो कॉस्ट। अब आगे चलते थोड़ा सा, कॉस्ट केवल वो नहीं होती जो जेब से जाती है, नहीं केवल वो नहीं होती जो जेब से जाती है, वो भी होती है जो आने से रुकती है। पैसे का ना आना भी जाना होता है, पैसे का ना आना भी जाना होता है, बेनिफिट लॉस्ट बिकम्स द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं ना, कि भाई अगर आप ये ऑफर ना करो, अगर आप ये ऑफर ना करो तो इतना तो कमाई लेते ही, तो भाई मैं अपना लॉस क्यों करूं, मैं अपना लॉस क्यों करूं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मैं इसी एग्जांपल में बात करूं, ऊपर वाले में यहां पर, चल एक काम करते हैं। हाँ जी, कॉस्ट केवल वो नहीं होती जो खर्च करते हैं, कॉस्ट वो भी होती है जो बेनिफिट लूज करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट बात करते हैं हम, इसी में आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कॉस्ट इट्स ए पार्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। तो आप इसको ऐसे बोलोगे, इट्स ए पार्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। राइट, दैट इज कॉस्ट इज नॉट ओनली द एक्सपेंस which which cost केवल वो नहीं तो जो खर्च करते हैं, not only the expense which we will going to incur, but also include the benefit कौन सा बेनिफिट विच वी हैव टू लूज ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। यानी पैसे का ना आना भी जाना होता है। कॉस्ट हेयर मीन्स रेलिवेंट कॉस्ट, कॉस्ट हेयर मीन्स रेलिवेंट कॉस्ट। कॉस्ट केवल वो नहीं होता जो मैं जेब से पे कर रहा हूं, कॉस्ट में वो भी शामिल होता है जो आने से रुकता है। राइट, जो आने से रुकता है, एक बार नोट कर लो। फिर मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। कॉस्ट में वो भी शामिल होता है जो आने से रुकता है। हो गया, नोट कर लिया। चले नोट कर लिया बेटा। चले अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से देखो। बिल्कुल, ये हमारे पास मान लेते हैं एक फैक्ट्री है। ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करा करो। हमारे पास कैपेसिटी तो है 10,000 यूनिट की,
कैपेसिटी कितने की है? 10,000 यूनिट की है, ठीक है, और पूरी यूटिलाइज कर रहे हैं, 100% यूटिलाइज, 100% यूटिलाइज, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, यानी मार्केट में मैं 10,000 बेच रहा हूं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा एक मिनट मैं इसको, और मटेरियल का खर्चा आ रहा है, हाँ जी 10 रुपए पर यूनिट, लेबर 20 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 30 रुपए पर यूनिट, ठीक है, एक मिनट, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट 30, वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए, ठीक है, राइट, सेलिंग प्राइस है 150 रुपए, बस इतना कह रहे हैं, ठीक है, 150 रुपए में बेच रहे हैं, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है। कैपेसिटी कितनी है? 10,000 की, पूरे 10,000 मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, खाली नहीं बैठा मार्केट में, मैं 10,000 सेल कर रहा हूं, 100% यूटिलाइज, नो स्पेयर कैपेसिटी, मेरे पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, ओके, मैं पूरे 10,000 बाजार में बेच रहा हूं, 10,000 की कैपेसिटी है। अब एक ऑफर आया है, कंपनी रिसीव्स एन ऑफर, हमारे पास ना एक ऑफर आता है बाजार से, ठीक है, कितना यूनिट का? 100 यूनिट का, राइट, इन 100 यूनिट को बनाने में सेम खर्चा आएगा, सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, आप बताओ जरा जल्दी से, फटाफट बताइए, अगर मैं ये 100 यूनिट बनाता हूं तो लोकल मार्केट में नहीं बेचूंगा, ठीक है, स्पेयर तो है नहीं, खाली तो बैठे नहीं है, तो बताओ व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस फॉर सच 100 यूनिट, सोच के बताओ जरा, और प्रेजेंटेशन पार्ट सोचो जरा, ये 100 यूनिट का अगर मैं ऑफर लेता हूं, दूसरी मार्केट से आया है, सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर, मार्केट दूसरी है, तभी तो ऑफर है, अगर मैं ये 100 यूनिट बना के बेचूंगा तो लोकल मार्केट में मैं 9,900 बेचूंगा, क्योंकि मेरी कैपेसिटी तो पूरी 10,000 की है, खाली मैं हूं नहीं, बताओ कम से कम क्या लू, सोचो जरा, सोचो सोचो क्या कहोगे, सिंपल सी बात है सर जी, आप ये कहोगे कि देखो अगर ये 100 यूनिट बनाते हो तो ये तो आपकी जेब से जाएगा, पहली बात वेरिएबल कॉस्ट है, ये जोड़ मत देना 70 + 20 + 10, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, तो सबसे पहले तो समझो वेरिएबल कॉस्ट मींस क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड इज अ पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका मतलब ये 30 रुपए इसमें शामिल है, बिल्कुल क्लियर, चलिए, वेरिएबल ओवरहेड होता तो नहीं होते। अब आप ऐसे कहोगे कि सर 70 रुपए की मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 10 और 20 इसमें शामिल है, 150 रुपए में मैं बेच रहा हूं, यानी लोकल मार्केट में 80 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 80 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों आ गए ना, ठीक है, तो अब अगर मैं ये 100 यूनिट का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो उन 100 यूनिट में हर एक पर मैं 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन लूज करूंगा, मैं अपना लॉस क्यों करूं, ठीक है, ऑफर से चार्ज कर लो, तो मिनिमम प्राइस क्या होगी, आप ऐसे दिखाओगे, राइट, यानी रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर, ऑफर की वजह से कितना पैसा खर्च करोगे आप बताओ, वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए पर यूनिट, 70 में जोड़ मत देना 20 और 10, क्योंकि इसमें शामिल है वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, वेरिएबल ओवरहेड लिखा होता तो जोड़ते, ठीक है, प्लस
बेनिफिट टू बी लॉस्ट, पहले वाले में नहीं जोड़ा था क्योंकि स्पेयर के रस्ट में बना रहे थे, खाली बैठे थे, अब बेनिफिट टू बी लॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट। ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर की वजह से आपको 80 रुपए का लॉस होगा क्योंकि लोकल मार्केट के सेल को रोकोगे, तो इसको क्या बोलोगे आप? दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट भाई? बेनिफिट टू बी लॉस्ट, तो मिनिमम प्राइस आप 150 रुपए चार्ज करोगे, दिस वुड बी द मिनिमम प्राइस। इनडायरेक्टली कह सकते हो कि वही प्राइस लूंगा जो लोकल मार्केट से ले रहा हूं, भले ही ऑफर है क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन लूज हो रहा है। अगर यही स्पेयर कैपेसिटी में होता तो मैं केवल 70 रुपए में अपना गुजारा कर लेता क्योंकि मेरा को कुछ बेनिफिट लूज नहीं होता। तो रेलिवेंट कॉस्ट में दो बातें आई, जो जेब से जाएगा और जो रुकेगा आने से, राइट भाई? चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब एक और टर्म है बेनिफिट टू बी अचीव्ड, एक और टर्म है बेनिफिट टू बी अचीव्ड, इसको नोट कर लो। इतने चलिए बेटा नोट कर लिया, हाँ जी। अब आगे चलते हैं, एक और टर्म है बेनिफिट टू बी अचीव्ड, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। हाँ जी पहले मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट, चलो रेलिवेंट कॉस्ट मेन फाइनल क्या आ रहा है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, राइट? ऑफर की वजह से जो खर्चा होगा होगा, इनकर्ड नहीं, ऑलरेडी टू बी इनकर्ड, ठीक है, प्लस बेनिफिट टू बी लॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। जैसे अभी करा था 70 रुपए वेरिएबल, 70 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 80 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, ठीक है, माइनस बेनिफिट to be achieved, to be achieved due to acceptance of offer। अभी समझाते हैं, तो ये कहलाएगी relevant cost final, यानी minimum price to be referred to management, not to customer, customer को नहीं बता रहा ये price, management को बता रहे हैं। चलिए अब इसका एक example देखो क्या है, हाँ जी नोट कर लो इतने। अब इसका एक एग्जांपल, ठीक है, मान लो हमारे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, पुराना हो गया, मैंने खरीदा था 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में हमने खरीदा था, ठीक है, परचेस्ड, राइट, 2 इयर्स बैक, मैं तो उसको यूज कर चुका हूं, मुझे नया लेना है, ओके आप चले, राइट, ध्यान से सुना, मिस्टर एक्स के पास हम कहते हैं एक मोबाइल फोन है, 2 साल पहले खरीदा था 50,000 रुपए में, आप सोच रहे हैं बेच दो, ठीक है। एक कस्टमर आता है मिस्टर वाई, एक कस्टमर आते हैं मिस्टर वाई, वो कहता है मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा इसको, ओके पुराना हो गया सर ये, अब ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए देने को तैयार, इससे ज्यादा नहीं दे रहा, आप सोचो 50,000 रुपए दे दूं, भूल जाओ, 5,000 रुपए से ज्यादा मैं इसके नहीं दूंगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, सोचते बताते हैं, अभी ऐसी जल्दी नहीं है कोई, ठीक है, हमने इसको ओएलएक्स पर डाल दिया,
वहां से एक कस्टमर की इंक्वायरी आई, मिस्टर जेड। वो कहते हैं सर जी मैं ले तो लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा लग रहा है, बट इसमें ना थोड़ी सी आप स्क्रीन खराब हो रही है, ठीक करा दोगे? तो मैं ले लूंगा। तो स्क्रीन का खर्चा ठीक कराने का होगा कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 500 रुपए, ठीक है। जेड एक बात और कह रहे हैं कि अच्छा एक मिनट, 1500 रुपए मानते हैं चलो। जेड एक बात और कह रहे हैं कि सर इसमें ना बैटरी है, मेरे पास अपनी बैटरी है, वो निकाल लो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जेड कह रहे हैं बैटरी आप निकाल लो, मुझे नहीं चाहिए। तो हम सोच रहे हैं बैटरी निकाल कर बेच देते हैं, ठीक है, सेल कर देंगे वो बैटरी 200 रुपए में बिक जाएगी, और वाई एज इट इज लेने को तैयार है पूरा मोबाइल। वाई नहीं कह रहा कुछ भी, वाई तो कह रहा है एज इट इज मैं लेने को तैयार हूं, ठीक है। वाई कहता है मैं एज इट इज लेने को तैयार हूं 5000 रुपए में, बताओ दोगे क्या, बताओ दोगे क्या? जेड कहता है रुको, हमने ओएलएक्स पर डाला था, वो कह रहा है 1500 रुपए में इसके स्क्रीन का खर्चा, आप स्क्रीन ठीक करा के दो और मुझे बैटरी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा चलो बैटरी निकाल के बेच देते हैं, 200 रुपए की बिक जाएगी। तो अब मैनेजमेंट आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ एक्स के लिए क्या निर्देश है, कि वो कम से कम जेड को कितने रुपए में ऑफर करे ताकि उसका लॉस ना हो, बताओ आप सोचो। सोचिए कम से कम कितने रुपए में ले, सोच के बताओ भाई। देखो जेड को देने में 1500 का खर्चा होगा, 1500 का खर्चा होगा, ठीक है। तो वो जेड से लोगे, ठीक है, और जेड को कहोगे आपको नहीं बेचता, तो 5000 में तो बिक ही रहा था, 5 तो दो यार, ठीक है 50000 रुपए में खरीदा था उसको, मारो गोली, ये तो संग कॉस्ट है, ये तो गए, ये तो आपके गए। मैं ये नहीं मांग रहा आपसे, अरे आपने लेते तो 5 में तो बिक ही रहा था, तो 5000 तो दो, तो 1500 रुपए आप दो, 5000 रुपए आप दो। हाँ आप बैटरी नहीं ले रहे, क्योंकि जो वाई 5000 रुपए में ले रहा था वो बैटरी समेत ले रहा था, तो चलो भाई आप विदाउट बैटरी ले रहे हो तो 200 रुपए माइनस कर दो, ठीक है। तो कितने पैसे बने, 6300। चलिए मैं इसी में समझा दूं, यहां पर क्या कहोगे अब आप, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर 1500 रुपए, कितने रुपए 1500 रुपए। आप कहोगे भैया 1500 रुपए मुझे आपकी वजह से खर्च हो रहे हैं, मुझे दो। आप कहोगे 1500 रुपए आप मुझे दो क्योंकि आपकी वजह से खर्च हो रहे हैं, और अगर मैं आपको नहीं देता तो 5 में तो बिक ही रहा था, वो दे दो भाई। आपको नहीं देता तो 5000 रुपए आ रहे थे, अब वो नहीं आएंगे, पैसे का नाना भी जाना हुआ। हाँ बट 5000 में वो पूरा मोबाइल ले रहा था, आप विदाउट बैटरी, तो मैं बैटरी को बेच दूंगा, यानी आपकी वजह से मुझे 200 रुपए का लाभ होगा, ठीक है। तो 6300 से कम नहीं दूंगा मैं आपको, तो 6300 में अगर आपको दूंगा तो मुझे वही पड़ेगा, सोचो जरा 6300 रुपए में अगर मैं आपको दूंगा तो वही तो पड़ेगा, ये आपसे लिए 1500 रुपए तो आपकी वजह से खर्च हो गए, कितने बच्चे मेरे पास, कितने बच्चे मेरे पास, 4800 बच्चे, ठीक है। 200 रुपए मोबाइल बेच के आ गए, तो आए तो मेरे पास 5000 रुपए ही, बोलो बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला बना रेलिवेंट कॉस्ट का, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको नोट कर लो एक बार जल्दी, आगे चलते हैं। अब हमें समझना है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड एंड मशीन्स, ठीक है, फिर इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आ जाएंगे। हो गया, नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं हम, हाँ जी,
रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड एंड मशीन राइट भाई। हाँ जी नोट रह तो नहीं गया था पिछले वाला, एक बार देख लो जल्दी से। अब हमें करना है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड एंड मशीन। तो सबसे पहले करते हैं मटेरियल का, राइट, देयर आर सम केसेस। हाँ जी सबसे पहले बात करते हैं हम रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है हाँ जी, केस नंबर फर्स्ट और ध्यान से सुनना। केस नंबर वन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, एम वन। ये रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था, परचेज्ड, ठीक है, फॉर रुपीज 1000 टू इयर्स बैक। मतलब वुड का पीस है, जैसे प्लाईवुड खरीद लेते हैं ना हम, 2 साल पहले मैंने 1000 रुपए में खरीदा था। फर्नीचर का काम है हमारा, हमने प्लाई खरीदी थी 2000 रुपए में 2 साल पहले, कोई एक कस्टमर का ऑफर था, ठीक है, रेगुलर नहीं था। अब इस मतलब ऐसे समझो जरा, ये प्लाई का पीस था पूरा, कोई ऑफर आया था चेयर बनाने का, उसमें इस्तेमाल हो गई थी ये प्लाई, ठीक है, इतनी। ये वुड का पीस बचा हुआ है, ये वुड का पीस मेरा बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं तब से लेकर स्टॉक में पड़ा हुआ है, लाइंग इन गोदाउन एज इट इज, तब से लेकर ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई यूज ही नहीं हुआ कभी। अब मैं कब तक रखूंगा आगे, मतलब जो रेगुलर प्रोडक्शन था उसमें इस्तेमाल हो नहीं रहा था, उस जैसा कोई ऑफर आया नहीं, तो गोदाम में पड़ा हुआ है, राइट। अब हम सोच रहे हैं, नाउ क्या सोच रहे हैं, हटा यार कब तक रखोगे, जगह साफ करो, ठीक है भाई, स्टोर का रेंट है भले ही फिक्स्ड है, ठीक है, रखने में कॉस्ट नहीं आ रही पर जगह तो घेर रहा है, ठीक है। नाउ कंपनी इज कंसिडरिंग, क्या सोच रहे हैं, बेच देते हैं इसको, टू सेल एज स्क्रैप, टू सेल एज स्क्रैप, हम सोच रहे हैं इसको बेच दे एज इट इज तुरंत, तो कितने में बिकेगा, कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे, नहीं इतना भी गया गुजरा नहीं है ना, तो सपोज 100 रुपए मिल जाएंगे इसके, 100 रुपए तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी चलो ठीक है, बेचने से पहले सडनली एक ऑफर आ गया, बिफोर सेलिंग, बेचा नहीं है अभी, कहीं सोचो बेच दो, ठीक है, कंपनी रिसीव्स एन ऑफर, हमारे पास एक ऑफर आ गया, ठीक है, फर्नीचर का चेयर बनाने का, विच रिक्वायर द सेम मटेरियल एम वन, मतलब जितना है उतना तो इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी की बात बाद में करेंगे। अब बताओ, हाँ अगर मैं ये M1 खरीदता हूं बाजार से, मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना चेयर बनाने में, उतना मेरे पास उपलब्ध है, ये मान के चल रहे हैं, राइट। हाँ एक बात और, अगर मैं इस M1 को ऑफर में लगा दूं तो फिर बेचूंगा नहीं, ठीक है, तो मैनेजमेंट आपसे पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस फॉर M1 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफर,
बताओ जरा, सोच के बताइए। चलिए सोचो इतने। हाँ जी सोचो। समझ गए? अब बताओ जरा। अच्छा इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं। चलो अगर आज खरीदेंगे करंट परचेज प्राइस ऑफ एम वन, ये है 250 रुपए, ठीक है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है पर फिर भी अगर दे रखा हो तो। चलिए बताओ, एम वन बेकार पड़ा हुआ है, ऑब्सोलीट मटेरियल, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं हेडिंग में ऑब्सोलीट मटेरियल, इसको हम ऑब्सोलीट मटेरियल के नाम से भी कह सकते हैं। स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ओके, 1000 रुपए में खरीदा था, संक कॉस्ट है, मतलब ऑलरेडी ऑर्डर से हम चार्ज कर चुके होंगे, अब तो ये वुड का पीस बेकार पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ऑफर नहीं आता, अगर ऑफर नहीं आता तो आप इसको 100 रुपए में बेचते, अब अगर ऑफर आ गया तो आप इसको ऑफर में लगा दोगे, बेचने से जो पैसे मिलते वो नहीं मिलेंगे, पैसे का ना आना भी जाना हुआ, पैसे का ना आना भी जाना हुआ, तो ऑफर की वजह से आपको 100 रुपए का तो लॉस हुआ, ऑफर से चार्ज कर लो। केवल M1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर जी एक बात बताना, अगर मैं बाजार से खरीदता तो 250 रुपए का क्यों खरीदते भाई, जो है वो क्यों खरीदूंगा मैं, मतलब ये कोई समझदारी होगी कि मटेरियल तो मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है, मैं उसको रद्दी के भाव बेच दूं और वही दूसरी शॉप से नया खरीदूं। There is no question to purchase which you have, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, सबसे पहली बात आप कहोगे, इसको ऐसे दिखाओगे, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, कॉस्ट टू बी इनकर्ड नहीं है कुछ भी, M1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर, ऑफर की वजह से कितना खर्चा होगा, नहीं, बेनिफिट टू बी लॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर। हाँ जी, कितने में बेचते हैं आप इसको? 100 रुपए में, बेनिफिट टू बी अचीव नहीं है, तो मिनिमम प्राइस आप कितने रुपए चार्ज करोगे? 100 रुपए, मिनिमम प्राइस 100 रुपए चार्ज करोगे, बोलो समझ में आएगी बात भाई? आप ये कहोगे ना इसको, ऐसे समझो, M1 मटेरियल है, अगर आप ऑफर में नहीं लगाते तो इसको 100 रुपए में बेच देते, अब आप ऑफर में लगा रहे हो अभी, तो ऑफर से कम कितने रुपए चार्ज करोगे? अगर ऑफर में नहीं लगाते तो 100 रुपए बेचते तो 100 रुपए का लॉस होगा, वो ऑफर से चार्ज कर लो, बोलो क्लियर बेटा? हाँ जी, व्हाट अबाउट, हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपए, कॉल्ड संक कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, कॉल्ड संक कॉस्ट,
दूसरी बात करंट परचेज प्राइस राइट इट हैज नो रेलिवेंस. क्यों भाई क्यों? देर इज नो क्वेश्चन टू परचेज. देर इज नो क्वेश्चन टू परचेज द मटेरियल विच वी हैड ऑलरेडी इन स्टॉक. भाई जो आपके पास गोदाम में है वो क्यों खरीदोगे? पहले उसको इस्तेमाल करो ना. है और उसका नेचर क्या है? ऑब्सोलीट है, बेकार पड़ा. एक तो बेकार पड़ा हुआ है, वो तो पड़ा ना नहीं दोगे, नया खरीदोगे. ये कोई समझदारी नहीं है. बोलो क्लियर है बेटा? अगर ऑफर नहीं आता तो मैं 100 रुपए में बेचता. ऑफर की वजह से मैं बेचूंगा नहीं तो मैं उसको ऑफर में लगा दूंगा. तो इसलिए ऑफर से 100 रुपए चार्ज कर लो. क्लियर है बेटा? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए. कोई डाउट? हाँ जी, नोट कर लिया. यह है ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब बेकार पड़ा है, स्लो मूविंग, मूव ही नहीं करता, नॉन मूविंग. ठीक है, स्लो मूविंग का मतलब कम मूव करता है और नॉन मूविंग का मतलब मूव ही नहीं करता. तो अब हम रख के क्या करेंगे? कब तक रखोगे स्टोर में? अननेसेसरी जगह घेर रहा है तो इसलिए सोचा था बेच दे. बेच के 100 रुपए मिलते, बेचने से पहले ऑफर आ गया, अब सोच रहे ऑफर में लगा दे. ऑफर में लगा दोगे तो आप बेचोगे नहीं, तो मैनेजमेंट को समझाओगे. मैनेजमेंट को समझाओगे कि सर अगर आपको ऑफर से 100 रुपए मिल जाए तो भी आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आप तो बेच रहे थे ना. आप समझो ऑफर में बेच दिया, मिनिमम प्राइस है. ये मत कहना सर जी अगर ऑफर में नहीं लगाते तो आपको खरीदना पड़ता, ये नहीं होता तो. नहीं ना, अभी तो है ना, ऐसा नहीं सोचोगे आप. क्यों नहीं सोचेंगे हम? क्योंकि जो है उसको क्यों खरीदूंगा मैं. ठीक है, बिल्कुल क्लियर है. चलिए नोट कर लिया. सेकंड आता है टॉक्सिक मटेरियल. सेकंड आता है टॉक्सिक नेचर का मटेरियल, केस नंबर टू. इसको बोलते हैं टॉक्सिक नेचर का मटेरियल. मतलब हैजर्ड नेचर का मटेरियल, खतरनाक है. अगर आप इसको रखोगे तो विस्फोट हो सकता है, ऐसा नेचर का मटेरियल है. ध्यान से सुनना. ये कहते हैं M1, चलो M2, कहीं पीछे से कंफ्यूज हो. एक मटेरियल है, ये हमने परचेज किया था. ठीक है, कितने रुपए में? 2000 रुपए में. केमिकल है, ये हमारा एक मटेरियल है केमिकल, 2000 रुपए में मैंने खरीदा था. ठीक है, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले कोई ऑफर आया था, केमिकल है. ठीक है, तब से लेकर हमने इसको गोदाम में रखा हुआ है. बोला उसमें यूज हो गया. मतलब आप समझो ना, जैसे एक बॉटल है. ठीक है, ये बॉटल थी टॉक्सिक मटेरियल की, लिक्विड. तब ऑफर आया था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, मतलब काफी इस्तेमाल हो गया. अब उस बॉटल में इतना बचा हुआ है, इतना आपके पास बचा हुआ है. ठीक है, हाँ जी. लाइंग इन गोडाउन एज इट इज, मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इतना बचा है या सारा बचा है. जो बचा है उसकी बात की जा रही है तो. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल होगा कि जब खरीदा था तो यूज हो गया होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा. पर कई बार क्या होता है कि खरीदा था, कुछ भी यूज नहीं हुआ, सारा बचा हुआ है. बात एक ही है, अगर कुछ बचा हुआ है तो सारे पैसे चार्ज हो चुके, सारा बचा हुआ है तो हमने राइट ऑफ कर दिए होंगे. सारा बचा हुआ है तो स्टॉक में नहीं दिखाया होगा. सर जी क्यों? भाई स्टॉक में केवल 1 साल तक दिखाते हैं, अगले साल तो उसको राइट ऑफ करते हैं ना. ठीक है, हाँ जी. चलिए अब हम कहते हैं, ये मत कहना कॉस्ट और एमआरपी विच एवरेज लेस, वो करंट ईयर का स्टॉक होता है. ठीक है, जो ऑब्सोलीट मटेरियल होता है
उसको हम बैलेंस शीट में फिर प्रायर पीरियड आइटम्स करके नोट्स टू अकाउंट में दिखा देते हैं। तो खैर हमारी बात तो यह है समझाने की कि जो खरीदा था मेटीरियल चाहे वो सारा बचा है या कुछ बचा है, मेरे लिए तो वो अब संक कॉस्ट है, ठीक है, बेकार पड़ा हुआ। अच्छा जी, बट नेचर क्या है? टॉक्सिक है, खतरनाक है। यानी अब हम इसको आगे गोदाम में नहीं रख सकते, अब मैं इसको आगे गोदाम में नहीं रख सकता, नो लॉन्गर टू रिटेन इन स्टोर। अगर मैं रखूंगा तो ये एक्सपायरी डेट आने वाली है, बिल्डिंग को खतरा हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, हटाएंगे। हटाने में दो लेबर बुलाऊंगा, इसको जाकर नदी नाले में कहीं फेंकाओ। द कंपनी विल हैव टू रिमूव, हमें हटाना पड़ेगा, बाय इनकरिंग कॉस्ट 200 रुपए, 200 रुपए खर्च करके मुझे हटाना पड़ेगा, 200 रुपए खर्च करके मुझे हटाना पड़ेगा, राइट। क्यों सर? क्योंकि अब आप इसको नहीं रख सकते, बिल्डिंग फट जाएगी, टॉक्सिक नेचर के, खतरनाक है, डेंजरस टू द, हाँ जी, इट बिकम्स डेंजरस, डेंजर टू बिल्डिंग। नाउ या तो उसको यूज करो या हटाओ, इधर टू यूज और रिमूव, इधर टू डिस्पोज और यूज, कुछ करो इसका, नॉट एबल टू रिटेन, ठीक है। चलिए, हटाने से पहले धनंगन आप बेच नहीं पाओगे इसको, क्योंकि ऑथोराइज डीलर ही खरीदेंगे, मतलब कोई भी ऑथोराइज डीलर से ही खरीदेगा, आपसे कोई नहीं खरीदेगा, यू आर नॉट ऑथोराइज डीलर, आप तो हटाना पड़ेगा आपको तो, और हटाने में 200 रुपए का खर्चा होगा। चलो, हटाने से पहले एक ऑफर आ गया, बिफोर रिमूवल, बिफोर रिमूवल कंपनी रिसीव्स एन ऑफर, बाई चांस की बात है, ठीक है, उसमें ये मटेरियल यूज हो जाएगा, विच रिक्वायर सच एम टू मेटीरियल, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो है, राइट। अच्छा, अगर मैं आज बाजार से खरीदूं, करंट परचेज प्राइस ऑफ एम टू ये 700 रुपए का है, ठीक है। चलिए बताओ, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, बहुत ध्यान से बताइए, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस ऑफ एम टू फॉर ऑफर। चलिए सोच समझ के बताओ सर, अगर मैं ऑफर ले लेता हूं, आप बताओ, चलो करो, तो M2 इस्तेमाल हो जाएगा, पहली बात तो मैं M2 नहीं खरीदूंगा, क्यों नहीं खरीदूंगा, अरे भाई बेकार पड़ा हुआ है, तो जो चीज है वो क्यों खरीदूंगा, तो ये वाली बात तो बेकार ही हो गई, ये वाली बात तो बेकार हो गई, ठीक है। कॉस्ट जो ऑलरेडी मैंने खरीद चुका था वो संक है, वो भी बेकार है, ठीक है। अब बताओ, अगर ऑफर नहीं आता क्या बेचते, बिकता ही नहीं, तो क्या करते, 200 रुपए खर्च करके हटाते, 200 रुपए खर्च करके हटाते, ऑफर आ गया, मटेरियल लग जाएगा ऑफर में, मटेरियल ऑफर में लग जाएगा, तो जो खर्चा करते वो नहीं करोगे, पैसे का ना जाना भी आना हो गया, पैसे का ना जाना भी आना हो गया, बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू ऑफर, मतलब आता वो नहीं है जो दिखता है, आता वो भी है जो जाने से रुकता है, ना जाना भी तो आना ही हो गया, क्लियर पार्ट। तो क्या कहेंगे हम यहां पर, हाँ जी बताओ, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट,
क्या कहोगे? कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर की वजह से आप कितने पैसे खर्च करोगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेनिफिट टू बी लॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, कुछ भी नहीं। क्यों? भाई ऑफर नहीं आता तो बेनिफिट तो ना लूज होता कोई भी, ठीक है। माइनस बेनिफिट टू बी अचीव्ड, बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, राइट। कितना बताओ? 200 रुपए। अगर ऑफर नहीं आता, अगर ऑफर नहीं आता तो आप 200 रुपए खर्च करते, ऑफर की वजह से वो पैसे बच गए। बात समझ में आ गई? अब बताओ जरा मिनिमम प्राइस क्या होगी, मिनिमम प्राइस क्या होगी? हाँ जी, माइनस 200 रुपए। सोच समझ के बताओ जरा, क्या कहोगे? सोच समझ के बताओ। ये हो गया क्लियर? अब बताओ जरा, सॉरी 200 रुपए की इंटरप्रिटेशन बताओ क्या है। क्या हम ऐसा करेंगे वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो कस्टमर को 200 रुपए देंगे, भाई तेरा काम भी करे 200 रुपए भी ले जा? अरे नहीं, इसका मतलब है ये प्राइस मैं मैनेजमेंट को रेफर कर रहा हूं, ये प्राइस मैं मैनेजमेंट को रेफर कर रहा हूं, ठीक है, कि भैया कस्टमर से आपको 200 रुपए का फायदा है अगर ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो, एम टू बुक करने की वजह से। तो केवल वो ऑफर एम टू के बाद खत्म थोड़ा हो जाएगा, उसमें लेबर भी लगेगी, ओवरहेड भी लगेंगे, है ना। तो ये मतलब है कि अगर लेबर की कॉस्ट मान लो 1000 रुपए आती है, मान लो लेबर की कॉस्ट 1000 रुपए आती है, सपोज वेरिएबल ओवरहेड मिलाकर सपोज 1500 रुपए आते हैं, लेबर 1000 रुपए, 500 रुपए वेरिएबल ओवरहेड, तो आप कस्टमर से क्या कहोगे? 1500 रुपए का खर्चा होगा लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड का और 200 रुपए मेटल से बच रहे हैं, तो 1300 रुपए ऑफर से ले लोगे आप, ये कहना चाह रहे हैं। इट विल रिड्यूस द अदर कॉस्ट इन ऑर्डर टू एनालाइज द फुल अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। बात समझ में आ गई? ये मतलब है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इट मीन्स हाँ जी, 200 रुपीज विल रिड्यूज द अदर कॉस्ट ऑफ ऑफर, ये होगा बस इसका मतलब। क्लियर है बेटा? ये तो ना कि मैं 200 रुपए उसको दे दूंगा, भाई तेरा काम भी कर रहा हूं तो पैसे भी ले जा, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर। ओरिजिनल कॉस्ट संक है, ओरिजिनल कॉस्ट आपकी संक है, ठीक है, ऑलरेडी पेड है। करंट परचेज प्राइस नो रेलिवेंस, नो रेलिवेंस, बेकार है, क्योंकि जो है वो क्यों खरीदोगे? बोलो भी, बात समझ में आ गई? जो है वो क्यों खरीदोगे? हाँ जी, अब आप ये कह सकते हो अगर ऑफर नहीं आता तो आप 200 रुपए खर्च करते, ऑफर की वजह से खर्च नहीं करोगे, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं। ठीक है, क्या कहेंगे हम? इफ we had not been accepted the offer, अगर मैंने ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया होता, आया ही ना होता, received, अगर ऑफर नहीं आया होता, right, then company will have to incur, खर्च करना पड़ता, डिस्पोजल कॉस्ट
कितने रुपए? 200 रुपए। अगर ऑफर नहीं आता तो 200 रुपए खर्च करने पड़ते, राइट भाई? बट ड्यू टू ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, राइट भाई, 200 रुपीज टू बी सेव्ड, राइट? बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? चलिए इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। हो गया? नोट कर लिया? चलिए अब आते हैं तीसरा, सब्स्टिट्यूट यूज। आज केस नंबर थर्ड, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूट यूज। हाँ जी, क्या कहेंगे हम? अगर हमारा मटेरियल सब्स्टिट्यूट यूज का है, बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है। M3 एक मटेरियल है, वुड का पीस कह सकते हैं। M3 एक मटेरियल है, वुड का पीस है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हमने खरीदा तो था, राइट, 3 इयर्स बैक फॉर रुपीस 1000 रुपए में, ठीक है, इस्तेमाल हो गया, कुछ बचा हुआ है। चलिए आप ध्यान से समझना। अब वो ये कहता है तब से लेकर आज तक गोदाउन में पड़ा हुआ है, लाइंग इन गोदाउन एज इट इज, ठीक है, जब से खरीदा था ऑफर में यूज हो गया, कुछ पार्ट बच गया, तो जो पड़ा हुआ है वो एज इट इज रखा हुआ है, कहीं यूज हुआ ही नहीं। अब आज सोच रहे हैं भाई इसको कब तक रखोगे, बेच दो, बेच बाच के नक्की करो, सेल ऑफ स्क्रैप, उस तो पैसे मिलेंगे। तो वो कहते हैं 20 रुपए मिल जाएंगे। अच्छा जी, बेचोगे रद्दी के भाव तो 20 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं रुको 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 रुको, ठीक है, आप बेचो मत, मेरे पास एक काम है, मेरे पास एक काम है ना जो मैं कर रहा हूं, एक रेगुलर काम कर रहा है, वो एक रेगुलर काम कर रहा है, मतलब एक काम कर रहा है बस, ठीक है। उस काम में M3 मटेरियल M4 की जगह इस्तेमाल हो जाएगा, क्या कह रहे हैं वो, M3 कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ M4, मतलब जो वुड का पीस है ना, वो कहता मैं कर लूंगा, सनमाइका की जगह इस्तेमाल कर लूंगा, तो मुझे सनमाइका नहीं खरीदना पड़ेगा। वुड का पीस जो पड़ा हुआ है बेकार, मैं आज जो काम कर रहा हूं ना, एक मेरे दिमाग में बस एक आइडिया आया कि मैं सनमाइका नहीं खरीदता और उसकी जगह मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा, अच्छा पीस है ये, राइट, तो सनमाइका मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। M4 का मतलब सनमाइका, राइट, करंट परचेज प्राइस ऑफ M4 बच जाएगी, ठीक है, 45 रुपए का है ये, बस समझ में आएगी। 45 रुपीज का M4 नहीं खरीदना पड़ेगा, तो बताओ क्या कह रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर? ये कौन कह रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं, वो समझदार था, उसमें हमेशा नया कुछ करने की चाह रहती थी, तो कहता सर जी रुको ना, ये पीस मुझे लग रहा है इसमें कुछ खासियत है, मत बेचो उसको 20 रुपए में,
ठीक है, मैं इसको सनमाई की जगह इस्तेमाल कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे सनमाई का 45 रुपए का खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसे बच जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो बेचें या फिर प्रोडक्शन मैनेजर को दे दे, भाई तू यूज कर दे चल। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, रुको रुको रुको, बेचने से पहले मतलब ना तो बेचा ना यूज करा, अब दोनों में से कौन सा काम करते? एक ऑफर आ गया, कंपनी रिसीव्स एन ऑफर, ऑफर समझ गए ना, कोई नया काम कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड। ठीक है, विच रिक्वायर M3, ऑफर में M3 लग जाएगा, राइट भाई, और कितना है आपके पास उतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपको M3 नहीं खरीदना पड़ेगा, करंट परचेज प्राइस अगर मैं खरीदूं तो ये है आपकी 400 रुपए। ठीक है, थोड़ी ज्यादा हो गई, कम करते हैं, चलो 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 कम करते हैं। M3 की करंट परचेज प्राइस आ रही है 120 रुपए। ठीक है, अब आप सोच समझ के बताओ, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस ऑफ M3? What should be the minimum price of M3 for offer? मैं ऑफर में लेना चाहता हूं उसको, ठीक है, तो ऑफर में M3 को कितने रुपए में चार्ज करूं? अब आप सोच समझ के बताओ, जरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, मैं रिपीट करूं, M3 मैंने 2-3 साल पहले खरीदा था 1000 रुपए में। ठीक है, कुछ उसमें से पीस बच गया, बाकी मैंने उस काम के लिए लगा दिया जिसमें मैंने खरीदा था, जिसके लिए, चलो ये तो कॉस्ट संक हो गई, खैर तब से लेकर गोदाम में पड़ा हुआ है आज तक। अब आज सोच रहा हूं हटाऊं, सोचा रद्दी के भाव बेच दूं तो 20 रुपए का बिकेगा, कितने का? 20 का, बट मेरा प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ा सा खुरापाती दिमाग का है, हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो कहता है सर रुको, अब जो मैं काम कर रहा हूं, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है, जो मैं काम कर रहा हूं एक चेयर बना रहा हूं, उसमें सनमाइका चाहिए, तो पीस को अच्छे से देखा उसने ऊपर नीचे से, सर ये वाला पीस ना सनमाइका की जगह मैं जुगाड़ फिट कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, तो 45 रुपए का सनमाइका खरीदने से बच जाएगा और ये पीस फिट हो जाएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, बताते हैं, रुक जा जरा, अभी रुक जा, थम जा जरा, रुक जा। इतने में एक ऑफर आ गया, ठीक है, अब उस ऑफर में मुझे लगाना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको, ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर M3 ऑफर में लगा दोगे तो बताओ ऑफर से कितने रुपए चार्ज करोगे, बाजार से खरीदोगे तो 120 का मिलेगा, नहीं सोच के बताओ, कि जिसमें फायदा वो कायदा। क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेचने की सलाह देगा 20 रुपए आएंगे? क्या मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोडक्शन मैनेजर को सनमाइका की जगह यूज करने की सलाह देगा? 45 रुपए बचेंगे, समझ रहे हो, बेचते तो 20 रुपए आते और सनमाइका की जगह यूज करते तो 45 बचते, पैसे का ना जाना भी तो आना हो गया ना, सनमाइका की जगह यूज करते तो सनमाइका नहीं खरीदना पड़ता तो वो पैसे बच जाते, तो या तो बेचते या सनमाइका की जगह इस्तेमाल करते, नहीं आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो तो आप कहते नहीं दोनों काम छोड़ो, आप ऑफर में इस्तेमाल कर लो, क्या फायदा अगर आप दोनों में से एक काम कर लेते तो 120 रुपए जाते मेरी जेब से, नहीं 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 ये मत करो, ठीक है, आप ना तो बेचो, बेचने की सोचो, ना ही M4 की जगह इस्तेमाल करो, दोनों में से करते तो एक ही, ठीक है, अगर ऑफर नहीं आता तो क्या करते, ये करते या ये करते, सेकंड करते, अगर ऑफर नहीं आता तो क्या करते, हायर बेनिफिट 45 रुपए बचाते, अब ऑफर में लगा दिया तो वो बेनिफिट लूज करोगे तो ऑफर से चार्ज करो 45 रुपए। बोलो बात समझ में आ गई, क्या कहोगे इसको, ऐसे समझो एक्सप्लेनेशन,
इफ वी हैड नॉट रिसीव्ड एनी ऑफर, अगर मैंने कोई भी ऑफर एक्सेप्ट प्राप्त नहीं किया होता, देन हाँ जी पॉसिबल पॉसिबल बेनिफिट वुड हैव बीन, पॉसिबल बेनिफिट क्या होते, या तो बेचते 20 रुपए में, या फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट यूज करते M3 की जगह और 45 में बचाते। राइट या तो बेचते या M3 की जगह इस्तेमाल करके 45 बचाते, कुड हैव बीन। राइट कौन सा काम करते, हायर बेनिफिट, हाँ जी हायर बेनिफिट सेकंड डेट इज 45 रुपीज वुड हैव बीन सिलेक्टेड। हायर बेनिफिट वुड हैव बीन सिलेक्टेड, हायर बेनिफिट आप सिलेक्ट कर लेते, ठीक है, बट नाउ आप तो ऑफर में लेना चाहोगे ना, क्यों 120 रुपए खर्च करूं, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। राइट बी सच बेनिफिट of 45 rupees will have to be used, will have to be lose such benefit will have to be lost, hence due to offer na, due to offer isliye offer se charge kar lo, should be charged from offer। बोलो भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या करता, या तो बेचता या सब्सिड यूज करके 45 में बचाता, दोनों में से वो काम करते जिसमें हायर बेनिफिट होता वो लूज होगा, ऑफर से चार्ज कर लो, तो क्या कहोगे इसको आप, हाँ जी बेनिफिट टू बी लॉस्ट, higher benefit to be lost due to offer। राइट भाई कितना 45 रुपीज ये ऑफर से चार्ज कर लो, ये थोड़ा ना कहोगे आप कि प्रोडक्शन मैनेजर को कि तू यूज कर ले, तू 45 बचा, हम अपना 120 रुपए में खरीदते हैं, कंपनी का लॉस मत कराओ भाई, समझ गए, प्रोडक्शन मैनेजर को बोलो तू समय का ले ले, ये तेरा तो इनोवेशन आइडिया ना तो अपने पास रख, क्योंकि ऑफर आ गया। अब मतलब एक तरह से M3 की जो कीमत है ना वो 45 रुपए नहीं है ना, 20 रुपए है, 120 रुपए होगी बेसिकली, तो ये मत कहना 120 रुपए चार्ज कर लो, नहीं 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 मिनिमम प्राइस तो कम से कम वो तो चार्ज करूं जो मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ हायर बेनिफिट आप सेलेक्ट करोगे जो अदरवाइज आप रिसीव करते, क्लियर बेटा। हाँ जी ये वाला बेनिफिट आप सिलेक्ट करते अगर ऑफर नहीं आता, अब ऑफर की वजह से ये लूज करोगे, ऑफर से चार्ज कर लो, बोलो क्लियर है। ये मत कहना कि M3, हाँ जी कि इसमें रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, नहीं इसमें पूछा ही नहीं है उसने, ठीक है, मतलब ये मत कहना 20 रुपए इसमें चार्ज करते हैं, ये पूछा ही नहीं है, बोलो क्लियर हो गया बेटा। ये तो आपसे पूछ रहा है कि मैं अगर ऑफर नहीं आता तो कितने रुपए का बेनिफिट ले पाता, ठीक है,
बात समझ में आ गई, दोबारा समझ लो एक बार। एक M3 मटेरियल है वुड का पीस जो मैंने 3 साल पहले 1000 रुपए में खरीदा था, तब से लेकर गोदाम में पड़ा है, बेकार है। आज बेचोगे तो 20 रुपए में बिकेगा, या प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है मत बेचो और मुझे इसको यूज करने दो सनमाइका की जगह, तो मैं आपको 45 रुपए बचा के दूंगा। तो ये मत कहना, ये मत सोचना कि M3 की रेलिवेंट कॉस्ट 20 रुपए हो गई इसमें, ये पूछा ही नहीं है भाई। या तो मैं बेचता या 45 रुपए की जगह इस्तेमाल करता, ठीक है? अब दोनों में से कौन सा काम करता, यही वाला काम सेलेक्ट करता, राइट? दैट कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड, बट इससे पहले ऑफर आ गया तो मैं तो ऑफर में लगाना चाहूंगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या सलाह देगा कि भाई ये काम कर, तू ऑफर तू M4 की जगह इस्तेमाल कर ले और 45 रुपए कंपनी का फायदा करा, मैं 120 रुपए में खरीदवाता हूं, भाई ये तो समझदारी नहीं है ना। मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रोडक्शन मैनेजर को कहेंगे कि भाई तू खरीद ले M4, ठीक है, और जो तेरी वजह से 45 बचते, जो तेरी वजह से 45 बचते वो मैं दे देता हूं भाई। एक तरीके से प्रोडक्शन मैनेजर को तो फ्री में पड़ता ना, वो कहता यार अगर ये मिल जाता तो मेरे 45 बच जाते, तो हम क्या कहेंगे भाई तू ये 45 रुपए पकड़ और M3 का मोह छोड़ दे भाई, वो हमें दे दे, नहीं तो हमें खरीदना पड़ जाएगा 120 रुपए में, वो समझदारी नहीं है। तो M3 की रियल वर्थ 45 हुई। बोलो बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, राइट। चल इसको नोट कर लो, ओके बेटा नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट केस पर, रेगुलर यूज। नेक्स्ट केस है इसका रेगुलर यूज। अगर कोई मटेरियल हमारे पास रेगुलर नेचर का होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं, मतलब डेली हम इसको यूज करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक हमारे पास कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, फ्लैट बनाकर बेचना इनका काम है, राइट। ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में, बहुत ध्यान से सुनना, ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक में मान लेते हैं हम 600 सीमेंट के बैग हैं, ठीक है, और इनका नेचर क्या है, रेगुलर। कंपनी हैज 600 सीमेंट बैग, ठीक है, इन स्टॉक, द नेचर इज रेगुलर, द नेचर इज रेगुलर नेचर का है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे रेगुलर नेचर के हैं, ठीक है। हमने खरीदा तो था 300 रुपए पर बैग के हिसाब से, अब काम क्या है इनका, फ्लैट बनाकर बेचना, रेगुलर नेचर का काम है, फ्लैट कंस्ट्रक्शन, फ्लैट कंस्ट्रक्शन का काम है, ओके, फ्लैट बनाकर बेचना इनका बिजनेस है, ठीक है। इनके पास एक ऑफर आ गया, किसका, गेस्ट हाउस बनाने का, ठीक है। इसमें इनकी रिक्वायरमेंट है
मान लेते चलो 600 बैग की ही, 600 सीमेंट के बैग चाहिए, राइट बे। ये कह रहे हैं आज अगर मैं परचेज करूं तो भी मान लेते 300 रुपए का ही मिलेगा, ठीक है, राइट। हाँ जी, क्या ये हो सकता है 310 रुपए का भी मिले? दैट डज नॉट मैटर, चलो 310 रुपए ले लेते हैं तो बेसिकली ना, ठीक है। बताओ व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ 300 बैग, 600 बैग फॉर द ऑफर? बताइए, क्या हम ये वाले 600 बैग जो स्टॉक में है रेगुलर नेचर के हैं ऑफर में इस्तेमाल कर लें? नहीं, ध्यान सुनो, जो मटेरियल आपका डेली यूज का है, जो मटेरियल डेली यूज का है अगर वो ऑफर में ले जाओगे तो रेगुलर काम रुक जाएगा, उसके लिए खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना तो पड़ेगा ही ना। तो आप ऑफर के लिए, ऑफर के लिए बाजार से खरीद लो, ऑफर के लिए बाजार से ले लो, ठीक है। तो जो भी पैसा खर्च करोगे ऑफर से चार्ज कर लो। स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, हाँ जी, क्या कहेंगे हम? कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर, ऑफर की वजह से आप कितना पैसा खर्च करोगे? 600 बैग खरीदोगे एट द रेट ऑफ 310 रुपए, राइट नहीं? तो ये मत समझना कि जो रेगुलर में पड़ा हुआ मटेरियल है मैं उसको ऑफर में इस्तेमाल कर लेता हूं। ऑफर में इस्तेमाल कर लो फिजिकली, रेगुलर काम रुक जाएगा, रेगुलर के लिए खरीदना पड़ेगा, बात तो एक ही है। तो ध्यान रखना, जो भी आपके पास मटेरियल डेली यूजेस का होता है वो आप रेगुलर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते रहते हो, उसको आप ऑफर में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि रेगुलर काम रुक जाता है, ठीक है, राइट। तो आप क्या कहोगे? द मटेरियल, द मटेरियल्स, मटेरियल या मटेरियल्स, ठीक है, विच आर ऑफ रेगुलर यूज, विच आर ऑफ रेगुलर यूज, जो डेली यूज का है, ठीक है, दैट कैन नेवर बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑफर। हाँ, फिजिकली मैं ऑफर में ले लूंगा, बात अलग है, बट फिर ऑफर, फिर रेगुलर काम रुक जाएगा, तो रेगुलर के लिए खरीदना पड़ेगा, बात तो एक ही है, राइट भाई। इसलिए हम क्या कहते हैं, फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ऑफर, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ऑफर शुड बी परचेज्ड एट करंट परचेज प्राइस, ठीक है। तो जो भी मेटल आपको ऑफर के लिए चाहिए वो बाजार से खरीद लो, जो भी मेटल आपको ऑफर के लिए चाहिए वो बाजार से खरीद लो। अगर रेगुलर स्टॉक वाला मेटल ऑफर में ले जाओगे, अगर रेगुलर स्टॉक वाला मेटल ऑफर में ले जाओगे तो रेगुलर काम डिस्टर्ब हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हिसाब से रखा हुआ, बेकार नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि वो मटेरियल बेकार नहीं पड़ा हुआ, राइट भी? तो इसलिए ऑफर की वजह से उसको डिस्टर्ब मत करो। बोलो, क्लियर पांडे भाई? आप ऐसे समझो ना कि जैसे घर में राशन है, आटा, दाल, चीनी, चाय पत्ती, ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो वो महीने भर का राशन है। अब मेरे पास, हमने सोचा कि एक बर्थडे पार्टी करते हैं, ठीक है, उस बर्थडे पार्टी में आपको मान लो 10 किलो आटा चाहिए, तो क्या वो 10 किलो आटा अब महीने के राशन में से निकाल लोगे? तो महीने का राशन कम पड़ जाएगा, वहां खरीदना पड़ेगा, तो बात तो एक ही है। इसलिए अगर कोई आप फंक्शन कर रही हो, बर्थडे पार्टी कर रही हो, तो उसके लिए जो रिसोर्स चाहिए वो आप बाजार से ले आओ,
वहां बाजार से ले आओ, मतलब क्लियर पार्ट बेटे, राइट। तो ये हो गया हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये सारे हो गए रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया, नोट कर लिया। चलिए अब आता है सेकंड, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन। हाँ जी, ध्यान से समझना क्या कहना चाहते हैं कि हमारे पास मशीन है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसमें केस नंबर वन बहुत सिंपल है, ऑब्सोलीट, ये कहते हैं मेरे पास एक मशीन है M10 करके, ठीक है, हमने परचेज करी थी, ध्यान से सुनना, ओरिजिनल कॉस्ट, हमने 1,00,000 रुपए की परचेज करी थी, ठीक है, 4 साल पहले, 5 साल पहले, ठीक है। आज अगर इसको आप बेचते हो, आज अगर हम इसको बेचें, ठीक है, ध्यान देते हैं, आज अगर हम इसको बेचें तो ये बिक जाएगी 20,000 रुपए में, आज आज अगर हम इसको बेचें तो 20,000 रुपए की बिक जाएगी, 20,000 रुपए में हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और कह रहा है, आज अगर हम खरीदेंगे करंट परचेज प्राइस, आज मैं अगर खरीदूं बाजार से नहीं लाऊं तो वो आएगी 1,20,000 रुपए की, ठीक है। अच्छा, 6 महीने बाद बेचूं ठीक है, तो ये बिकेगी आपकी 15,000 रुपए की, ओके। और 6 महीने बाद खरीदोगे, ठीक है, तो शायद ये 1,25,000 रुपए की, चलो खैर, ये आपको डिटेल दे रखी है। एक मशीन आपके पास है, अब वो कहता है कंपनी ओन्स ए मशीन M10, मशीन आपके पास है M10 नाम से, ठीक है, राइट भाई, ऑब्सोलीट नेचर की है, यानी हम इसको प्रोडक्शन में यूज कर चुके, अब बेकार हो गई, इसका मतलब अब आगे इसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर फॉर प्रोडक्शन, हम इसको आगे प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको आगे प्रोडक्शन में इसको यूज कर पाए, बेचना पड़ेगा। अब वो कहता नहीं, रुको रुको रुको, बेचने से पहले ऑफर आ गया, कंपनी रिसीव्स एन ऑफर, कंपनी रिसीव्स एन ऑफर व्हिच विल रिक्वायर M10, मतलब ऑफर में तो हम इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि ऑफर तो 6 महीने का है, कर लेंगे इसका माल हम, बट रेगुलर काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है।
ठीक है, चलो ऑफर के हिसाब से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे ऑफर में खरीदनी नहीं पड़ेगी। अब बताओ व्हाट शुड बी द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, व्हाट शुड बी द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन फॉर ऑफर। सोच समझ के बताओ जरा आप अपने आप। मैं रिवाइज करा देता हूं, एक मशीन मेरे पास है बेकार पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है का मतलब 5 साल पहले खरीदी थी, प्रोडक्शन में मैं इसको यूज कर चुका, अब आगे प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, ठीक है। आज बेचोगे तो 20 रुपए की बिक जाएगी, आज बेचोगे तो 20 रुपए की बिक जाएगी, 6 महीने बाद बेचेंगे तो 15,000 की बिकेगी, आज खरीदोगे तो सबसे पहली बात तो यह कि जो है वो मैं क्यों खरीदूंगा, रेगुलर काम में खरीदूंगा, रेगुलर काम से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ऑफर से लेना देना है, ठीक है। अब एक ऑफर आ गया जिसमें ये मशीन इस्तेमाल हो सकती है, तो अगर मैं ये मशीन ऑफर में इस्तेमाल कर लूं, अगर ये मशीन मैं ऑफर में ले जाऊं तो मैं बेचूंगा नहीं, क्या फायदा, बीच में बेचो एक बीच में खरीदो ऑफर के लिए, नहीं। अच्छा ऑफर के लिए किराए पे मिल नहीं रही तो आप बेचोगे नहीं और ऑफर में ले जाओगे, ऑफर का पीरियड भी 6 मंथ का है, ऑफर का पीरियड भी 6 मंथ का है, राइट, ऑफर का पीरियड भी 6 मंथ का है, तो 6 महीने बाद बेच लेना, 15 में तो बिकी जाएगी, तो बताओ ऑफर की वजह से आपको कितना लॉस हो रहा है, अगर ऑफर नहीं आता तो वो मशीन 20 में बिक जाती, अब ऑफर में लगा दी मशीन, ऑफर पूरा हो गया तो बेचोगे, 15 में तो फिर भी बिक जाएगी, तो ऑफर की वजह से 5,000 रुपए का लॉस हुआ, ऑफर से चार्ज कर लो, और ये 5,000 रुपए कम क्यों मिल रहे हैं, और ज्यादा वियर एंड टियर हो जाएगी ना, बोलो क्लियर है बेटा, तो आप क्या कहोगे, स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, राइट, क्या कहोगे आप, हाँ जी, कॉस्ट टू विन कर तो कुछ होगा नहीं, नहीं, आज बेचते तो कितने की बिकती, आज अगर बेचते तो कितने की बिकती, ऐसा कह लो, बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर 20,000 रुपए, नहीं, बट बाद में बेच दोगे तो बेनिफिट टू बी अचीव्ड ड्यू टू ऑफर कितने, 15,000, तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, ठीक है, ये कहलाएगा डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू 5,000 रुपए, यानी ये ऑफर से चार्ज कर लोगे आप, तो अगर कोई मशीन ऑब्सोलीट नेचर की है तो जितना आपका डिफरेंस आता है रीसेल वैल्यू का वो ऑफर से चार्ज कर लो, बोलो क्लियर पार्ट, अगर ऑफर नहीं आता तो 20 रुपए की बिक जाती, आप ऑफर की वजह से नहीं बेच पाओगे, बट ऑफर पूरा होने के बाद तो बेच दोगे तब 15,000 मिल जाएंगे, तो 5,000 रुपए का ही तो लॉस हुआ, ऑफर से चार्ज कर लो, क्योंकि ऑफर की वजह से 5,000 रुपए आपको कम मिल रहे हैं, देर इज नो क्वेश्चन टू परचेज द मशीन विच यू हैव ऑलरेडी और दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर ऑफर, वो कह तो रहे हैं, बोलो क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, रीसेल वैल्यू का डिफरेंस भी आप कह सकते हो। अच्छा एक बात और, करंट परचेज प्राइस को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह सकते हैं, करंट परचेज प्राइस में ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओके, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है भाई, हो गया क्लियर, चलिए नेक्स्ट केस, हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं, डायरेक्ट भी कह सकते हो डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, ये 5,000 रुपए में कम क्यों बिक रही है, क्योंकि और ज्यादा वियर एंड टियर होगी मशीन को ना, चलिए नोट कर लो,
हाँ, अगर मान लो 6 महीने के बाद भी 20 रुपए में बिक जाती, तब आप कहते क्या, फिर तो कोई लॉस ही नहीं है, आज भी बेचो 20 में बिक रही है, 6 महीने बाद बेचो तो भी 20 रुपए, 20 तो मिल ही रहे हैं, फिर आप मशीन का कुछ भी अमाउंट ऑफर से चार्ज नहीं करते, राइट? ओके okay? चलिए आगे, रेगुलर यूज। क्या कहना चाहते हैं, जो मशीन मेरे पास डेली यूज की है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम है तो वेल्डिंग मशीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं वेल्डिंग मशीन्स, वेल्डिंग मशीन्स, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के में। कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेल्डिंग मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेली यूज चाहिए होती है, बहुत ध्यान से सुनो। अब वो कह रहा है टुडे, आज अगर हम खरीदेंगे, ठीक है, M11 मशीन खरीदोगे तो मिलेगी आपको 1 लाख रुपए की, बहुत ध्यान से सुनो, ये है करंट परचेज प्राइस, आज अगर खरीदोगे तो 1 लाख रुपए की मिलेगी, ठीक है। अच्छा जी, 6 महीने बाद खरीदो, ध्यान से सुना, अब चेंज है, ये कह रहा है 6 महीने बाद यही मशीन, ठीक है, 6 महीने बाद अगर खरीदोगे तो 6 महीने पुरानी मशीन, 6 महीने पुरानी मशीन की कीमत ये कहता है 90,000 रुपये है, बहुत ध्यान से सुना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 महीने बाद 6 महीने पुरानी मशीन की कीमत, 6 मंथ ओल्ड, 6 मंथ ओल्ड मशीन की कीमत, ठीक है, मतलब आज अगर मैं मशीन खरीदूंगा तो 1 लाख रुपए की मिलेगी, 6 महीने बाद 6 महीने पुरानी मशीन 90,000 की मिलेगी, क्योंकि वो घिस चुकी होगी, रीसेल वैल्यू, आज खरीद के बेचोगे तो आपको 80,000 रुपये मिलेंगे उसके, और 6 महीने बाद बेचोगे तो उसको 75,000 रुपये मिलेंगे। चलिए, ये रेगुलर नेचर की मशीनें हैं, ठीक है, राइट? अब ध्यान से, हमारे पास एक ऑफर आ गया, उस ऑफर में मशीन चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ M11 फॉर ऑफर, फॉर ऑफर, बताओ M11 की कीमत क्या होगी अगर मैं ऑफर में ले जाऊं तो। सबसे पहली बात देखो, जो आपके पास M4 है रेगुलर में इस्तेमाल हो रही है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे मेटल वैसी मशीन, जो आपके पास मशीनें हैं ना रेगुलर नेचर की, आप उसको ऑफर में यूज नहीं कर सकते, रेगुलर काम रुक जाएगा, तो क्या करोगे, या तो किराए पे लोगे या खरीदोगे, खरीद लो, बहुत ध्यान से, कितने पैसे खर्च करोगे, 1 लाख रुपए, तो रेगुलर नेचर के मशीन ऑफर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू यूटिलाइज रेगुलर मशीन फॉर ऑफर, ये हमारे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, नहीं तो ऑफर का काम तो हो जाएगा, रेगुलर काम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर नेचर मशीन को मैं ऑफर में इस्तेमाल नहीं कर सकता, रेगुलर काम रुक जाएगा, तो क्या क्या मतलब है फिर, इसलिए फॉर ऑफर। हाँ जी, वी विल हैव टू परचेज न्यू मशीन। अच्छा, ऑफर ध्यान रखना 6 मंथ का है, ऑफर का पीरियड 6 मंथ का है, ठीक है,
ऑफर का पीरियड 6 महीने का है, क्लियर पार्ट? बताओ, तो नई मशीन खरीदोगे कितना पैसा खर्च होगा, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कितना? 1 लाख रुपए, राइट? अब बहुत समझ के, 1 लाख रुपए में नई मशीन खरीदोगे, ऑफर से चार्ज कर लोगे, पर ऑफर जिंदगी भर का थोड़ी ना है, ऑफर तो 6 महीने का है। अब 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यहां पर आ गए, क्या मशीन को बेच दोगे? क्या मशीन को बेच दोगे? नहीं, वो मशीन तो बेच दो, और रेगुलर में आवश्यकता पड़ती रहती है, तो आप एक काम करोगे कि 6 महीने बाद मशीन रोक लोगे और रेगुलर में एक मशीन कम खरीदोगे। 6 महीने बाद वो मशीन 6 महीने पुरानी रेगुलर में ट्रांसफर कर दोगे और रेगुलर में खरीदने की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो एक मशीन कम खरीद लेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे ये वाली बात हो गई कि आपके पास महीने भर का राशन है, आपके पास महीने भर का राशन है, घर में आटा है, दूध है, चावल है, चीनी है, दालें हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन आया, फंक्शन के लिए आप नहीं 10 किलो आटा खरीदोगे, चाहिए तो ऐसी और सामान। सपोज आपका फंक्शन पूरा हो गया और 2 किलो आटा बच गया, तो क्या वो 2 किलो आटा बेच दोगे? नहीं, आप रख लोगे, अगले महीने कम खरीद लोगे। राशन में आगे, तो यही बात है, तो हम इसको रेगुलर में भेज देंगे, ठीक है। कॉस्ट सेव बाय ट्रांसफरिंग टू रेगुलर, हाँ जी, कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास रेगुलर में ट्रांसफर करेंगे तो? क्योंकि रेगुलर वालों को बोलेंगे आप नई मशीन खरीदोगे तो आपको 90,000 रुपए की मिलेगी, तो मुझे दे दो 90,000 रुपए, राइट भाई? आप अगर 6 महीने बाद 6 महीने पुरानी मशीन खरीदोगे तो आपको 90,000 रुपए की पड़ेगी, तो मुझे 90,000 रुपए दे दो, तो इसका मतलब मुझे लॉस कितना हुआ, 10,000 रुपए का। ये ऑफर से चार्ज कर लो, तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो आप, डिफरेंस ऑफ करंट परचेज प्राइस यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओके? बोलो भी, बात समझ में आ गई, क्लियर है पार्ट? तो दो चीजें हो गई, ऑब्सोलीट मटेरियल, डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, रेगुलर मशीन, डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है? तो हम दो चीजें लिख सकते हैं। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, इसकी कोई कीमत, इसकी कोई मतलब नहीं है, 80,000 रुपए में बेचेंगे, सर बेचने का तो मतलब ही नहीं होता, तो रेगुलर है, रेगुलर वाला कभी नहीं बेचते, ठीक है? तो आपके पास दो चीजें हो गई, अगर मशीन ऑब्सोलीट है, बेकार पड़ी हुई है, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू, ठीक है? और अगर रेगुलर नेचर की है, डिफरेंस ऑफ, हाँ जी, करंट परचेज प्राइस यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बस नाम है बेसिकली करंट परचेज प्राइस। बोलो, क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है ओवरहेड, ओवरहेड में हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है फिक्स्ड। ओवरहेड में हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होते हैं फिक्स्ड, ओके? वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है जो चेंज होते रहते हैं आउटपुट के साथ में, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है? वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके? ये हमेशा पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड की
नेचर है हमेशा पर यूनिट रिमेन सेम, पर यूनिट रिमेन सेम राइट, इंक्रीज एज आउटपुट इंक्रीज, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते हैं ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम काम करेंगे तो खर्चा होगा, काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये तो मतलब हुआ, अगर आप काम करोगे भाई पावर का खर्चा है, मशीन चलेगी तो पावर का खर्चा आएगा, नहीं चलेगी तो नहीं आएगा। पेट्रोल है, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो पेट्रोल का खर्चा आएगा, नहीं चलाएगा तो नहीं आएगा। तो ये हमेशा रेलिवेंट होते हैं, ये हमेशा रेलिवेंट होते हैं, ऑलवेज कॉल्ड रेलिवेंट। क्यों? बिकॉज क्यों? इट इनकर, बिकॉज दीज इनकर, बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड विल इनकर राइट। कब इनकर होंगे? ओनली व्हेन, ओनली व्हेन वर्कर, वर्कर डू द वर्क राइट। अगर वर्कर खाली बैठा है, अगर वर्कर खाली बैठा है तो मशीन नहीं चलेगी, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो काम करेंगे तो खर्चा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हमेशा रेलिवेंट होंगे, हमेशा रेलिवेंट होंगे। क्लियर पांडे? दो बातें होगी ना, जब काम करोगे तो खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वेरिएबल ओवरहेड पर आवर भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, पर यूनिट भी हो सकते हैं। पर आवर होंगे तो घंटों से मल्टीप्लाई करना, और अगर पर यूनिट होंगे तो क्वांटिटी से ठीक है। दूसरी बात, अगर वर्कर खाली बैठा है, इफ लेबर इज आइडियल, खाली बैठा है पर मैं उसको पैसे दे रहा हूं क्योंकि परमानेंट है ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड विल नॉट अकर, वेरिएबल ओवरहेड आपके नहीं होंगे खर्च, क्योंकि जब लेबर खाली होगा तो वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा नहीं आएगा ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए क्लियर है बेटा, ये नोट कर लो। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड दो होते हैं, एक होते हैं अवॉइडेबल, एक होते हैं अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब होता है जो काम करोगे तो खर्चा आएगा, बट फिक्स्ड होगा, बट फिक्स्ड होगा मतलब जैसे मान लो मैंने गेस्ट हाउस बनाना है, अब गेस्ट हाउस बनाने के लिए मुझे एक सुपरवाइजर चाहिए, फोरमैन चाहिए जो चेक करता रहे कि हाँ भाई सारे वर्कर का सही टाइलें लगा रहे नहीं लगा रहे हैं, मिस्त्री काम कर रहे नहीं कर रहे, तो सुपरवाइजर चाहिए है ना। पर उसको ये तो है नहीं कि पर आवर पैसे दे रहा हूं मैं, उसको तो मैं महीने के पैसे दे रहा हूं। तो काम कम हो महीने में, ज्यादा हो वो तो पैसे लेगा, बट पैसे लेगा कब? जब काम करेगा राइट। जब गेस्ट हाउस का काम खत्म हो जाएगा तो मैं उसको पैसे देना बंद कर दूंगा, हटा दूंगा, कोई मेरा परमानेंट एम्प्लॉय थोड़ा ना होगा, वो कहलाएगा अवॉइडेबल, हमेशा रेलिवेंट होंगे। काम करोगे तो खर्चा होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ये तो होगा। अवॉइडेबल खर्चे हमेशा रेलिवेंट होते हैं। अब कोई मशीन है, अगर आप किराए पे ले रहे हो भाई, कोई प्रोजेक्ट आया है उसके लिए मशीन किराए पे लेनी पड़ेगी, तो मशीन का किराया रेलिवेंट है यानी अवॉइडेबल है। है वो फिक्स्ड, है वो फिक्स्ड कि भाई आप मशीन जितना मर्जी चलाओ, घंटे चलाओ नहीं चलाओ मत चलाओ, वो आपको महीने के किराए देना है ठीक है, पर तब देना जब आप किराए पर लोगे, जब आप वापस कर दोगे तो नहीं दोगे, इसलिए अवॉइडेबल है। तो ऑलवेज रेलिवेंट, ऑलवेज रेलिवेंट, हमेशा काम के होते हैं राइट भी, हमेशा काम के होते हैं ठीक है। टू बी इनकर्ड, टू बी इनकर्ड ओनली व्हेन, हम कब खर्च करते हैं? टू बी इनकर्ड ओनली व्हेन राइट, कब? हाँ जी, ऑफर इज एक्सेप्टेड, अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता ठीक है। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो खर्चे होंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे। नो
फिक्स्ड ओवरहेड विल अकर व्हेन ऑफर या तो कंप्लीट हो जाता है या एक्सेप्ट नहीं होता, नॉट बींग एक्सेप्टेड। बोलो समझ आ गई बात, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, मशीन का रेंट, फॉर एग्जाम्पल मशीन का रेंट, ओके। मशीन तभी तो किराए पे लोगे जब आप ऑफर एक्सेप्ट करोगे। टेम्परेरी सुपरवाइजर सैलरी, टेम्परेरी सुपरवाइजर सैलरी, ओके। तो ये खर्चे हमारे अवॉइडेबल कराएंगे, हमेशा रेलिवेंट होंगे, ऑलवेज टू बी नोन एज रेलिवेंट, ठीक है भाई। मशीन है, आप तभी तो किराए पे लोगे जब आप ऑफर एक्सेप्ट करोगे, हाँ नहीं करोगे तो नहीं होगा, बट है फिक्स्ड, है ये फिक्स्ड, क्योंकि काम कम करो ज्यादा करो ये तो आपको देनी है, बट ये नहीं है काम नहीं करो तो नहीं देने। क्या बात कर रहे हैं, फिक्स्ड है, ध्यान से सुनो दोबारा, फिक्स्ड है, काम कम करो ज्यादा करो उतने ही देने, बट काम करोगे तो देने हैं, काम नहीं करोगे तो नहीं देने, ये मतलब है इसका, तभी अवॉइडेबल है। क्लियर बात, चलिए अनअवॉइडेबल। हाँ जी, फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा संक होते हैं, ऑलवेज, हमेशा क्या होते हैं, संक, ऑलवेज, मतलब काम करो या नहीं करो ये फिक्स्ड ओवरहेड या तो इनकर्ड हो चुके होंगे या इनकर होने हैं, ऑब्लिगेशन डिसाइडेड है। जैसे आरएनडी का खर्चा है, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए तो हो गए ना, आर्किटेक्ट को पैसे दे दिए फिर आप डिसीजन ले रहे तो हो गए ना अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब इनकर इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑफर, या तो इनकर्ड हो चुके या इनकर होंगे, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑफर, राइट, ऑफर आया ना ये तो हमें खर्च कर दिया या करना है। जैसे फैक्ट्री करंट है भाई, आप काम करो या नहीं करो ये तो आपको देना ही है, नहीं, परमानेंट एग्जिस्टिंग सैलरी किसकी, मैनेजर की, सुपरवाइजर की, डेप्रिशिएशन, ये सारे खर्चे हमारे अनअवॉइडेबल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड अनअवॉइडेबल कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा अनअवॉइडेबल कहलाएंगे, यानी फैक्ट्री का रेंट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे काम कम करो चाहे ज्यादा करो, करो या नहीं करो, तो ये तो आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं डालेगा ना, इसलिए इसको संक कहेंगे, इग्नोर, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑलवेज इग्नोर, ओके। चलिए फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से। जल्दी नोट करिए फटाफट से। हो गया, चलिए अब एक बार ध्यान रखना,
हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं हम? अगर क्वेश्चन साइलेंट है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि नेचर क्या है फिक्स ओवरहेड का, तो ऑलवेज फिक्स ओवरहेड टू बी प्रिज्यूम्ड एज अनअवॉइडेबल, एज अनअवॉइडेबल, हमेशा क्या कहेंगे हम उसको, अनअवॉइडेबल मान के चलेंगे। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलोकेशन, बहुत ध्यान से समझना, एलोकेशन या लिखा है अपोर्शनमेंट, या लिखा है एब्जॉर्प्शन, राइट, तीनों में से कुछ भी लिखा है एलोकेशन अपोर्शनमेंट एब्जॉर्प्शन, हमेशा मानोगे अनअवॉइडेबल है, या तो साइलेंट होंगे या तीनों में से कोई एक वर्ड लिखा हो, राइट भी, और इसको इग्नोर करोगे संक कह के। अगर क्वेश्चन में लिखा है या तो अनअवॉइडेबल या साइलेंट है या तीनों में से कुछ एक लिखा है तो वो संक है। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है कि जो खर्चे मुझे करने हैं, चाहे मैं ऑफर का काम करूं या नहीं करूं, कम करूं या ज्यादा करूं, फिक्स्ड हो गए, बट अगर मैं नहीं करूंगा तो भी उतने ही आएंगे। भाई फैक्ट्री का रेंट है नहीं, अब आप ऑफर एक्सेप्ट करो तो भी आपको उतना ही देना है, नहीं करो तो भी उतना ही देना है, तो ऑफर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब ये तीन वर्ड समझ लो जरा, ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं तीन प्रोडक्ट हैं एक्स वाई जेड, मेरे तीन प्रोडक्ट हैं, हमारे ये तीन प्रोडक्ट हैं, ओके, अब कोई भी खर्चा है तीनों में बांटना है, जैसे रेंट है फॉर एग्जांपल, कैसे बांटते हो रेंट, कैसे बांटते हो रेंट, एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से बांटते हो ना, सैलरी कैसे बांटते हो, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, राइट, तो ये जो खर्चों को बांटा जाता है इसको बोलते हैं अपोर्शनमेंट, इसे क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट, इसे बोलते हैं हम अपोर्शनमेंट, राइट, अगर मैं खर्चों को बेस लेके बांट रहा हूं दैट इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। आगे बस समझ में, मैं जैसे मान लो बाइसिकल बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर सारे पार्ट्स के नट बोल्ट टाइट करे जाते हैं, ठीक है, यहां उनको असेंबल करते हैं, यहां पर फाइनल टच देते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा खर्चा है जो फोरमैन है, जो मेरा फोरमैन है, ठीक है, जो हमारा क्या है फोरमैन है, उसकी सैलरी केवल जेड में जा रही है, मतलब वो काम कर ही नहीं रहा बाकी में, डायरेक्ट इसमें एलोकेट हो रही है, इनमें होती ही नहीं, समझ गए, यानी फोरमैन केवल जेड में काम कर रहा है, बाकी की जगह काम कर ही नहीं रहा, तो सारी सैलरी में जेड में डाल दूंगा, तो सारी सैलरी में जेड में डाल दूंगा, इसको बोलेंगे एलोकेशन, इसको बोलेंगे एलोकेशन, राइट, जब कोई खर्चा डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट में जाता है बचता नहीं है, दैट इज एलोकेशन। चलो अब ये खर्चे टोटल आ जाते हैं, राइट, ये टोटल एक्सपेंसेस यहां जो काम कर रहे हैं उसमें बांटे जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूं एक और, बहुत बढ़िया, जैसे मान लेते हैं हम एक फादर हैं, ठीक है, मिस्टर एक्स, इनकी वेल्थ है संपत्ति, तो वो वेल्थ तीनों बेटों में बटेगी, भाई पिताजी की संपत्ति पर सब बेटे का ही तो हक होता है ना, तो वो वेल्थ जब बेटों में बटती है दैट इज अपोर्शनमेंट, क्लियर है। अब बेटे के हिस्से में आ गई, अभी तो ना कि बेटे शादी नहीं करेंगे, वो भी तो शादी करेंगे, उनके भी तो बच्चे होंगे, ठीक है, अच्छा वो अलग बात,
जो बेटे निकम्मे थोड़ा ना होंगे, खुद भी तो कुछ कमाएंगे। मान लो ये दोनों निकम्मे हैं, ये कमाते हैं, ठीक है, तो जो इसने खुद कमाई वो इसकी एलोकेशन हो गई। तो जेड के पास कौन कौन सी संपत्ति आई? एक तो फादर से आई और एक खुद की कमाई, टोटल हो गई। तो जो फादर से आई दैट इज अ पोर्शन, जो खुद कमाई एलोकेशन, दोनों उसके बेटों में बटेगी, दैट इज एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गई बात भाई? क्या कहना चाह रहे हैं हम? जो संपत्ति फादर की बेटों में बटी दैट इज अपोर्शनमेंट, जो बेटे ने खुद कमाई एलोकेशन, टोटल उसके बेटों में बटी एब्जॉर्प्शन। यानी कोई भी खर्चा जब तीनों डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट में बटेगा दैट इज अपोर्शनमेंट। कोई भी खर्चा जो किसी एक डिपार्टमेंट में जाएगा एक्सक्लूसिवली एलोकेशन, और जब वो दोनों उसके कामों पर बटेंगे, उनके क्वांटिटी पर बटेंगे, वो एब्जॉर्प्शन। ये तीन टर्म समझ में आ गई? अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारे लिए क्या मतलब है इसका? देखो ध्यान से सुनो, मेरे पास एक ऑफर आया, हम बाइसिकल बनाई रहे हैं, टॉय बनाने का ऑफर आया, ठीक है, वो टॉय मान लेते हैं हम, वो टॉय मान लेते हैं हम, एक और डिपार्टमेंट बना दिया मैंने ए, इसमें बनेगा, मान लेते हैं ए डिपार्टमेंट में बन रहा है, चलो इसे हम अलग नहीं देते, हम कहते हैं डायरेक्टली जेड में बन रहा है, वो टॉय जेड में बन रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, जेड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे क्योंकि टॉय बनेगा, है ना, तो सैलरी का खर्चा यहां बढ़ जाएगा, रहेगा तो टोटल सेम, इन दोनों में कम हो जाएगा। भाई कहना क्या चाहते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं सैलरी का खर्चा सपोज 3 लाख रुपए है, वो अभी एक्स वाई जेड में बढ़ता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अब अगर ऑफर में जेड में एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, तो यहां के नंबर ऑफ लेबर बढ़ जाएंगे, यहां के नंबर ऑफ लेबर बढ़ने से क्या होगा, ये खर्चा यहां बढ़ जाएगा, तो सर यहां कम हो जाएगा ना, नहीं रहेगा तो टोटल में सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं ये कहूं कि जेड में खर्चा बढ़ गया, क्या मैं ये कहूं जेड में खर्चा बढ़ गया 20,000? नहीं, ये बढ़ा तो सही पर बाकियों में कम हो गया, टोटल में तो सेम ही रहा, ये कैश आउटफ्लो तो गया नहीं, ये रेलिवेंट नहीं है कि आप सोचो तो जेड में ऑफर एक्सेप्ट कर लूं तो 20,000 रुपये चार्ज कर लूं, नहीं। तो इसलिए कभी भी लिखा हो अपोर्शनमेंट इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, एलोकेशन इंक्रीज, तो समझ लेना कि एक में बढ़ रहा है दूसरे में कम हो रहा है। जैसे आप ऊपर की जेब से निकालकर नीचे की जेब में रख दो तो इसको बोलोगे चेंज इन एलोकेशन, इसे क्या बोलोगे चेंज इन अपोर्शनमेंट, चेंज इन अपोर्शनमेंट, राइट भाई, डू नॉट चेंज इन एक्चुअल कैश आउटफ्लो। ओके सर, बंटवारा चेंज होने से एक्चुअल में जो आउटफ्लो है वो चेंज नहीं होता, यानी टोटल रिमेन द सेम, टोटल रिमेन सेम, ठीक है, ऑलवेज राइट, इररेलीवेंट, बेकार है, इग्नोर करो। तो कभी भी तीन वर्ड आ जाएं तो हमेशा समझ लेना बेकार है, क्लियर बेटा? चलिए नोट कर लो फटाफट से जल्दी। चलिए बेटा क्लियर हो गया ये मशीन का, आगे चलते हैं हम रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर का मतलब होता है जो काम करते हैं, एम्प्लॉय नहीं,
जिनको हम डेली वेजेस की पेमेंट करते हैं, ठीक है, स्किल्ड भी हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी। तो सबसे पहले तो ये समझो, लेबर में एक डेफिनेशन है कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर कौन होते हैं? कैजुअल लेबर जब चाहे जब अपॉइंट कर लें, जब चाहे तब हटा दें। मतलब फैक्ट्री गेट पर हम लिख देते हैं कि भाई हमारे को ना 100 लेबर चाहिए आज, तो जो इच्छुक हो आ जाए। तो अब दो दिन का काम है, दो दिन काम करवाओ, उसके बाद हटा दो। तो डेली बेसिस के हिसाब से हम उनको अपॉइंट करते हैं, उनको बोलते हैं कैजुअल लेबर, यानी सच टाइप ऑफ लेबर, सच टाइप ऑफ लेबर कैन बी अपॉइंटेड, कैन बी अपॉइंटेड और टर्मिनेटेड, और टर्मिनेटेड, कभी भी आप अपॉइंट करो, कभी भी हटाओ, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब आपको जरूरत हो ना तब रख लो, और जब जरूरत नहीं है हटा दो इनको। अब ये देखना पड़ता है, कई बार मार्केट में शॉर्ट सप्लाई में होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तो सिंपल है, आप जब भी लेबर कर रखोगे ऑफर के लिए, उनको जो पैसे दोगे ऑफर से चार्ज कर लो, जो भी लेबर अपॉइंट करोगे आप उनको जो पेमेंट करोगे ऑफर की वजह से करोगे, ऑफर से चार्ज कर लोगे। अच्छा, परमानेंट लेबर, परमानेंट लेबर कौन से होते हैं? भाई कई बार क्या होता है, लेबर कहते हैं कि सर आप ना मतलब थोड़े से समझदार हो जाते हैं, वो कहते हैं सर आप 4 दिन रखते हो फिर हटा देते हो, फिर 6 दिन रखते हो फिर हटा देते हो। तो कुछ टाइप के लेबर ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर देखो, हम अगर आपके पास काम करें तो आप हमें एक महीने का फिक्स अमाउंट तय कर दो, भले डेली वेजेस के हिसाब से रखो, बट एक ये तय कर लो कि आप हटाओगे नहीं, आपके पास काम हो या नहीं हो। और हमें वो लगता है कि यार ये ना काम अच्छी तरह से करना जानते हैं, लोकल हम अपॉइंट करते हैं तो कहीं ना कहीं काम के क्वालिटी में कंप्रोमाइज होता है। तो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इनको रख लेते हैं, क्योंकि अगर आप 2 दिन के बाद हटा दोगे तो शायद जब आपको जरूरत हो ये वाले लेबर ना मिले। तो अगर मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है, चलो भाई तो ठीक है आप आ जाओ, हम आपसे एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ठीक है, कि आपको हम अगले इस पीरियड तक हटाएंगे नहीं, चाहे हमारे पास काम नहीं हो तब भी आपको डेली वेजेस के हिसाब से उतनी पेमेंट आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो उनकी सिक्योरिटी हो जाती है, जॉब सिक्योरिटी। तो हम ये कहते हैं सच टाइप ऑफ लेबर, सच टाइप ऑफ लेबर कैन नॉट बी रिट्रेंच्ड, कैन नॉट बी रिट्रेंच्ड, टर्मिनेटेड, राइट, ड्यू टू एन एग्रीमेंट, ड्यू टू एन एग्रीमेंट विद द लेबर यूनियन, जो उनकी एक यूनियन बन जाती है, ठीक है। यानी लेबर को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी चाहे आपके पास काम हो या ना हो, यानी लेबर कॉस्ट विल हैव टू बी इनकर्ड, लेबर कॉस्ट विल हैव टू बी इनकर्ड irrespective of work। आपके पास काम हो अच्छी बात है, नहीं हो तो भैया लेबर कहेंगे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें तो पैसे चाहिए। नहीं भाई, आपने एक पेपर पे साइन कर दिया था तो क्या सोच समझ के साइन किया था, तो अब आप हमें खाली बिठा रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी है पैसे तो दो, ठीक है। तो वो कहलाते हैं परमानेंट लेबर, हो गया क्लियर। चलिए इसको फटाफट नोट कर लेते हैं। सच टाइप ऑफ लेबर कैन नॉट बी रिट्रेस्ड, क्यों? क्योंकि मेरा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया, अब मेरे पास काम नहीं होगा तो भी मुझे खाली बिठाकर तो पैसे देने पड़ेंगे, मजबूरी है। क्लियर पॉइंट भाई, हो गया।
अब एक आता है बिजी और एक आता है शॉर्ट सप्लाई। बिजी का मतलब होता है कि वो रेगुलर काम में कुछ ना कुछ मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन कमा के दे रहे हैं, मतलब वो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बिकेगा तो उनकी वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, उसको बोलते हैं बिजी। राइट, बिजी का मतलब दे आर इंगेज्ड इन सम रेगुलर एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उसको बोलते हैं हम बिजी। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो दे आर बिजी, राइट बे, तो इसका मतलब खाली नहीं बैठे, इट मीन्स दे आर एंगेज्ड इन रेगुलर एक्टिविटी, इन सम रेगुलर एक्टिविटी, किसी एक रेगुलर एक्टिविटी में वो एंगेज्ड है एंड प्रोवाइडिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग सम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी। राइट, यानी वो रेगुलर काम में व्यस्त हैं और मुझे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कमा के दे रहे हैं, इसका मतलब बिजी। अब एक टर्म और आएगी शॉर्ट सप्लाई, एक टर्म और आती है शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई का मतलब होता है कि बिजी है साथ में बाजार में मुझे ऑफर के लिए लेबर चाहिए तो मैं नहीं ला सकता, मतलब कैजुअल तो है बट अभी शॉर्ट सप्लाई है। ठीक है, अभी शॉर्ट सप्लाई है, यानी इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट एक्स्ट्रा लेबर फ्रॉम द मार्केट टू कंप्लीट द ऑफर, यानी लेबर बाजार में नहीं है ताकि आप ऑफर पूरा कर सको, ये कहलाता है शॉर्ट सप्लाई। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट एक्स्ट्रा लेबर फ्रॉम द मार्केट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑफर। ऑफर समझ गए ना, कोई नया काम या कोई सेम प्रोडक्ट विद न्यू फीचर्स, है ना, या दूसरी मार्केट से आया सेम प्रोडक्ट का, तो कोई भी काम आया है आपके पास अतिरिक्त, उसके लिए आपको एक्सेस लेबर चाहिए, बाजार में है ही नहीं, फॉर नेक्स्ट फॉर शॉर्ट पीरियड है, फॉर शॉर्ट पीरियड, किसकी बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट पीरियड की। ठीक है भाई, लंबे पीरियड में तो हो ही जाएंगे। चलिए ये चार डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आता है लेबर का फर्स्ट केस, मान लो मेरे पास लेबर, मान लो मेरे पास कोई ऑफर आया, उस ऑफर में मुझे लेबर चाहिए और क्वेश्चन कह रहा है कि लेबर कैजुअल है, ठीक है, और मार्केट में प्लेंटी अवेलेबल है, मतलब बिजी वाली बात नहीं है, बिजी वाली बात नहीं है, इसका मतलब जब चाहो जितना अपॉइंट कर लो। ठीक है, तो कैजुअल के साथ में इसका मतलब हम कहते हैं नॉट बिजी। नॉट बिजी का मतलब कि भाई मार्केट में आप अपॉइंट कर सकते हो, कोई शॉर्ट सप्लाई नहीं, और जो मेरे पास लेबर हैं, जो मेरे पास लेबर है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, आप जब बाजार से ला सकते हो तो शॉर्ट सप्लाई नहीं है ना। इसका अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट सप्लाई का अपोजिट क्या होगा, प्लेंटी, प्लेंटी इन अवेलेबल, यानी मार्केट में उपलब्ध है। नोट कर लिया, चलिए अब केसेस पर आते हैं हम, ध्यान से देखना। केस नंबर फर्स्ट, अगर लेबर का नेचर कैजुअल है, अगर लेबर का नेचर कैजुअल है और नॉट बिजी, मतलब शॉर्ट सप्लाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट शॉर्ट सप्लाई, नॉट शॉर्ट सप्लाई, मतलब बाजार में जितने चाहो लेबर उतने उपलब्ध है, बाजार में जितने लेबर चाहो उतने आपके पास उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, केस नंबर टू करते हैं हम। हाँ जी, परमानेंट है, ठीक है, लेबर तो परमानेंट है, राइट भाई, और आइडियल है, खाली बैठे हैं,
परमानेंट है और आइडियल है, मतलब लेबर हमारे परमानेंट है पर अभी खाली बैठे हैं फॉर द टाइमिंग। केस नंबर थर्ड कैजुअल है, जब चाहो रख लो, बट अभी बिजी भी हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं और शॉर्ट सप्लाई भी है। क्लियर भाई, यहां बिजी वाली बात का कोई रेलिवेंस नहीं है ना, जब बाजार में उपलब्ध हैं तो मेरे रेगुलर लेबर बिजी हैं या खाली बैठे हैं, खाली बैठोगे तो हटा दूंगा, तो यहां उसकी उसका पॉइंट ही नहीं आता, उसकी मतलब रेलिवेंस ही नहीं है। केस नंबर फोर, हाँ जी, परमानेंट है और बिजी है और शॉर्ट सप्लाई है और शॉर्ट सप्लाई है। ठीक है बेटा, चलिए एक एक कर करते हैं हम। केस नंबर फर्स्ट पर आते हैं, राइट, हाँ जी, केस नंबर फर्स्ट पर आते हैं, कैजुअल है और शॉर्ट सप्लाई नहीं है। ठीक है, ये कहता है केस नंबर फर्स्ट, कैजुअल है और शॉर्ट सप्लाई नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ईजी का मतलब एग्जांपल। ये कहते हैं एक ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओके, एक्स वाई एंड कंपनी, इनका काम रेगुलर फ्लैट बनाकर बेचना है, इनका काम रेगुलर फ्लैट बनाकर बेचना है। अब इनके पास एक ऑफर आया गेस्ट हाउस बनाने का, इनके पास एक ऑफर आया गेस्ट हाउस बना के देना है किसी पार्टी को, ओके, ये ऊपर वाला नोट कर लिया। अब उस गेस्ट हाउस में कुछ लेबर की आवश्यकता होगी अगले 10 दिन में, ठीक है, उस गेस्ट हाउस में रिक्वायरमेंट होगी, हाँ जी, 100 लेबर फॉर नेक्स्ट 10 डेज। मतलब अगर मैं 10 दिन काम करूंगा अगले, तो मुझे 10 दिन के लिए 100 लेबर चाहिए। अब वो लेबर जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, वो तो काम कर रहे हैं, उनके तो कोई परेशानी नहीं है, बाजार में प्लेंटी उपलब्ध है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो करंट लेबर कॉस्ट, राइट, ये आ रही है 200 रुपए, 500 रुपए पर डे, 500 रुपए पर डे, मैं एक लेबर को 500 रुपए पर डे में अपॉइंट कर सकता हूं, करंट लेबर कॉस्ट इन मार्केट, इन मार्केट मतलब बाजार में 500 रुपए में पर डे के हिसाब से पर लेबर उपलब्ध है, पर डे पर लेबर, ओके। अब बताओ, खुद सोचो जरा कैसे करोगे, सोच के बताइए। अगर आपको ऑफर में 100 लेबर चाहिए अगले 10 दिन के लिए और बाजार से आप अपॉइंट कर सकते हो क्योंकि कैजुअल है और बिजी और शॉर्ट सप्लाई में नहीं है, तो बताओ लेबर की कॉस्ट कितनी बुक करोगे ऑफर में, लेबर की कॉस्ट कितनी बुक करोगे ऑफर में, सोचो अपने आप, सोचो जरा, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट, व्हाट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द ऑफर। ऑफर के लिए आप लेबर की क्या कॉस्ट बुक करोगे, सोचो जरा 2 मिनट आप अपने आप, जल्दी। मुझे ऑफर के लिए 100 लेबर चाहिए अगले 10 दिन में, मैं बाजार से ले सकता हूं, ठीक है, जो रेगुलर काम कर रहे हैं करने दूंगा, मैं क्यों उनको डिस्टर्ब करूं जब मैं बाजार से ला सकता हूं, तो जब मैं बाजार से ला सकता हूं लेबर, तो रेगुलर काम वालों को तो मैं देखूंगा ही नहीं ना, बताओ, बिल्कुल सिंपल है, सोचो सोचो,
₹500 के हिसाब से मैं लेबर को पेमेंट दूंगा, फ्यूचर कॉस्ट है। काम करवाओगे तो दोगे, नहीं करवाओगे तो नहीं दोगे। तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, क्या कहोगे? हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या कहोगे? कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, ठीक है, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर की वजह से आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज लेबर कॉस्ट, दैट इज लेबर कॉस्ट, कितना? ₹500 प्रतिदिन 10 दिन के लिए फॉर 100 लेबर, ये अमाउंट रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। बोलो समझ में आ गई बात भाई? हाँ जी, क्लियर पार्ट भाई? 5 लाख, क्लियर पार्ट? कोई डाउट यहां तक? बोलो समझ में आ गया? जो लेबर को पेमेंट दोगे वो ऑफर से चार्ज कर लो, फ्यूचर कॉस्ट है, काम की वजह से खर्च कर रहे हैं भाई। रेलिवेंट कॉस्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर प्लस बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर माइनस बेनिफिट टू बी अचीव ड्यू टू ऑफर। तो बेनिफिट लॉस तो कुछ है नहीं, क्यों ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो नुकसान हो रहा है। भाई लेबर लाओगे, पैसे दोगे, ऑफर से चार्ज कर लो। क्लियर? नोट कर लिया? अब सेकेंड आते हैं परमानेंट, जिनको मैं हटा नहीं सकता क्योंकि मैंने उनसे लिखित एग्रीमेंट कर लिया, राइट भी? तो वो आते हैं परमानेंट, केस नंबर 2। हाँ जी, परमानेंट, परमानेंट का मतलब वो लेबर जिनको मैं हटा नहीं सकता, ठीक है, और अभी खाली बैठे हैं। They have no work to do. Ideal means they have no work to do for the next period. ठीक है, चलिए अब यही केस लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई एन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, फ्लैट बनाकर बेचने का काम है, ऑफर आया गेस्ट हाउस बनाने का, ऑफर आया गेस्ट हाउस का कि भाई गेस्ट हाउस बना के दीजिए, ऑफर आया एक गेस्ट हाउस बना के देने का, ठीक है। चलिए क्या कहना चाहते हैं, उस ऑफर में रिक्वायरमेंट है, उस ऑफर में रिक्वायरमेंट है 100 लेबर्स की, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है। बाजार में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रोडक्शन मैनेजर कहता है रुको सर, रुको 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 रुको, मेरी भी सुन लिया करो। प्रोडक्शन मैनेजर ये कहता है कि सर वी हैव 250 लेबर, ठीक है, वी हैव 250 लेबर एक्सेस, राइट, फॉर नेक्स्ट 10 डेज। ये 12 दिन भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अभी हम बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगले 10 दिन के लिए मेरे पास फालतू लेबर हैं, ठीक है, और हम उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू टर्मिनेट, मैं उनको हटा नहीं सकता सर, क्यों? एग्रीमेंट किया हुआ है मैंने, तो लेबर को तो मुझे पैसे देने ही देने हैं सर, ₹500 पर डे के हिसाब से, ₹500 पर डे पर लेबर, राइट। क्यों बजार से लाओगे अब आप? अब बताओ, ऑफर के लिए अगले 10 दिन में आपको 100 लेबर की आवश्यकता है, अब बताओ, सोचो जरा जल्दी, अपना दिमाग लगाओ, सोचो, सिचुएशन करो, जिसमें फायदा वो कायदा, मुझे ऑफर पूरा करना है गेस्ट हाउस का, अगले 10 दिन में मुझे 100 लेबर चाहिए, मैं बाजार से ले आता हूं, और जो लेबर खाली बैठे हैं वो खाली बैठ के उनको चाय पानी पिलाता रहूं, तो कोई समझदारी नहीं है ये, जो बेवकूफी है,
नए लेबर ला रहे हो और पुराने जो बैठे हुए हैं परमानेंट हैं उनको खाली बिठा रहे हो। नहीं भाई, एक्सेस का मतलब ये कह रहे हैं, दे हैव नो वर्क टू डू फॉर नेक्स्ट 10 डेज। एक्सेस हेयर मींस दे हैव नो वर्क टू डू, दे हैव नो वर्क टू डू फॉर नेक्स्ट 10 डेज, 15 डेज। ठीक है, ये मतलब है। तो बताओ क्या समझदारी है, बोलो बोलो भाई। समझदारी यही है कि उनसे काम करा लो ना, पैसे तो ऑफर आए या ना आए तब भी देने ही है, तो पैसा तो जाएंगे जाएंगे आपके, तो क्यों ना मैं उन्हीं से काम करा लूं, क्यों बेफालतू में बाहर से अपॉइंट करूं। तो रेलिवेंट कॉस्ट बताओ क्या कहोगे आप। तो आप मैनेजमेंट को समझाओगे कि अगर ऑफर से कुछ ना मिले, अगर ऑफर से कुछ ना मिले तो भी आप रोना नहीं, क्योंकि इनको तो पैसे वैसे भी देने थे भाई। मिल जाए तो बेहतर है, पर मिनिमम प्राइस के लिए तो आप मत चार्ज करो ना। तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी, वट शुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द ऑफर। ठीक है, क्या होगी ऑफर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट बताओ, निल। क्यों? क्योंकि लेबर की पेमेंट संक कॉस्ट है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन, क्योंकि लेबर की कॉस्ट आपको देनी देनी है, काम करो या नहीं करो। तो आप क्या कहोगे, लेबर कॉस्ट इज संक, रीजन इज लेबर कॉस्ट इज संक कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इज संक, राइट। यानी लेबर पेमेंट विल हैव टू बी इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑफर, ऑफर आए या ना आए वो तो पेमेंट मुझे देनी पड़ेगी। तो कुछ ना मिले ऑफर से तो भी रोने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका कोई घाटा नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कम से कम प्राइस, रेलिवेंट कॉस्ट का मिनिमम प्राइस, अगर ऑफर की वजह से कुछ देता तो मैं ऑफर से चार्ज करता। ठीक है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑलरेडी डिसाइड। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि संक कॉस्ट इग्नोर करते हैं, संक कॉस्ट ऑलवेज इग्नोर। चलिए फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी से, संक कॉस्ट ऑलवेज इग्नोर। ठीक है,
हो गया। अब केस नंबर थ्री पर आते हैं। देखिए केस नंबर थ्री क्या कहता है, कैजुअल, बहुत ध्यान से सुनना, कैजुअल है और बिजी है और शॉर्ट सप्लाई भी है। कैजुअल है, बिजी है और क्या है, शॉर्ट सप्लाई। बिजी का मतलब है कि रेगुलर काम में कुछ कमा के दे रहे हैं, खाली नहीं बैठे, है ना। और सबसे बड़ी बात, बाजार से मैं ला नहीं सकता। तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा बिजी, ये अंडरस्टूड है, लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि वो बिजी देने का मतलब ही ये कहेगा कि मैं बाजार से नहीं ला सकता, ठीक है। क्योंकि अगर बाजार से ला सकता होता तो बिजी देने की बात क्यों करेगा वो मुझसे, ठीक बात है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सेम, ये बात समझ आ गई कि अगर वो कह रहा है कि मेरे लेबर बिजी हैं ऑलरेडी जो मेरे पास हैं, तो ये कहना चाह रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं बाजार से नहीं ला सकता, तभी मैं उनकी बात कर रहा हूं। सोचो ना, बिजी हैं और आप बाजार से ला सकते हो, तो भाई तू मुझे क्यों बता रहा है, मैं तो बाजार से ले आऊंगा, ठीक है। चल बहुत ध्यान से, एक्स वाई एन कंपनी है, ठीक है, इनके पास लेबर हैं, इनके पास जो लेबर हैं, मान के चल रहे रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी सेम है, ठीक है, 100 लेबर हैं। क्या नेचर है इनका, कैजुअल, बिजी और शॉर्ट सप्लाई। अब ये अंदाजा लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट अगले 10 दिन में, अगले 10 डेज में ये रेगुलर काम करेंगे, ये रेगुलर वर्क में इंगेज रहेंगे और वहां से रिवेन्यू ला के देंगे मुझे, राइट भाई, रिवेन्यू ला के देंगे 15 लाख रुपए। उस काम में मटेरियल का खर्चा आएगा 2 लाख रुपए और लेबर को पैसे में दूंगा 5 लाख, तो मुझे कंट्रीब्यूशन कमा के देंगे ये 8 लाख रुपए। मेरे पास 100 लेबर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर कह रहे हैं कि अगले 10 दिन में वो मैनेजमेंट को 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा के देंगे, जो काम करेंगे उसमें 15 लाख की रेवेन्यू जनरेट करके देंगे और उसमें 2 लाख रुपए का मटेरियल लगेगा और 5 लाख रुपए लेबर कॉस्ट। कोई परमानेंट थोड़ा ना है, जो काम नहीं होगा तो भी बिठा के दूंगा, ठीक है, काम तो करवाऊंगा तो पैसे दूंगा, कैजुअल है। चलिए अब वो कहता है मेरे पास एक ऑफर आ गया गेस्ट हाउस बनाने का, उस ऑफर में मुझे 100 लेबर की आवश्यकता है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 10 डेज, पर मैं बाजार से ला नहीं सकता, क्या करोगे बताओ। इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट एक्स्ट्रा लेबर फ्रॉम द मार्केट, इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट एक्स्ट्रा लेबर फ्रॉम द मार्केट। फॉर नेक्स्ट 10 डेज और शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट सप्लाई में, अब बताओ क्या करोगे, सोचो जरा, मुझे तो काम करना है। अब मेरी मजबूरी हो जाएगी कि अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है तो वो लेबर जो रेगुलर काम कर रहे हैं आप उनको शिफ्ट कर दो रेगुलर से ऑफर में। सर रेगुलर काम रुक जाएगा, कोई बात नहीं, जितना रेगुलर में कमा के देते अगर वो ऑफर से कमा के दे दें तो मैं राजी हो जाऊंगा। बताओ क्या कहोगे, अगर मैं उनको ऑफर में भेज दूं, नहीं भाई, तो लेबर को पेमेंट दोगे, लेबर को पेमेंट दोगे, कितनी लेबर को पेमेंट दोगे, 5 लाख रुपए, तभी तो लेबर काम करेगी, ठीक है। फिर रेगुलर से शिफ्ट करोगे तो रेगुलर का कॉन्ट्रीब्यूशन लूज होगा, ऑफर से चार्ज कर लो, नहीं भाई, तो आप क्या कहोगे,
आप कहोगे इफ वी आर इंटरेस्टेड, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्लीट द ऑफर, टू एक्सेप्ट द ऑफर, एक ही बात है। अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करने में इच्छुक हैं देन क्या करना पड़ेगा, एक ही चॉइस है, देन वी विल हैव टू, वी विल हैव टू शिफ्ट सच लेबर फ्रॉम रेगुलर वर्क, फ्रॉम रेगुलर वर्क। क्यों? क्योंकि बाजार से ला नहीं सकते, एज इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल टू अपॉइंट, टू अपॉइंट एक्सेस लेबर फ्रॉम मार्केट, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है। बोलो सब बात समझ में आ गई? हाँ जी, अब बताओ, नोट कर लो इसको भाई। अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप अपनी चाहत बताओ क्या है, नहीं तो आपको बाजार से लेबर चाहिए। सर वो नहीं मिल रहे ना, तो इन्हीं लेबर को रेगुलर से शिफ्ट कर दो, इन्हीं लेबर को रेगुलर से शिफ्ट कर दो, क्या दिक्कत है? फिर रेगुलर काम रुक जाएगा, रेगुलर का कॉन्ट्रीब्यूशन लूज होगा, राइट? तो ऑफर से चार्ज कर लो, ऑफर से चार्ज कर लो, तो बताओ कितनी आएगी रेलिवेंट कॉस्ट? हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट क्या आएगी लेबर की? रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या आएगी, बोलो। हाँ जी, लेबर को तो पैसे दोगे आप काम करवाओगे, तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर 5 लाख, नहीं इसको बोलोगे कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर, ऑफर की वजह से आपको जो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ऑफर करोगे ठीक है, और अगर आप रेगुलर से शिफ्ट करते हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट ड्यू टू ऑफर, ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ऑफर की वजह से आपको 8 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लूज होगा, तो आप कम से कम 13 लाख रुपए ऑफर से चार्ज कर लो। बोलो क्लियर है पार्ट? बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी? अगर आप रेगुलर लेबर को शिफ्ट करोगे तो रेगुलर काम रोकोगे अगले 10 दिन के लिए, तो उसमें जो कमा रहे थे वो यहां से कमा लो, मैनेजमेंट को ये समझाओगे, बाकी चीजें आप देखोगे, मैनेजमेंट को कहोगे कि रेगुलर काम से जो लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन रुक रहा है, कस्टमर तो नाराज नहीं होगा, बट ऑफर अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लोगे तो हो सकता है इसके बाद आपको और ऑफर मिले, ये सारी चीजें आप देखोगे। अगर आप इच्छुक हो ऑफर एक्सेप्ट करने में तो अमाउंट हम बता सकते हैं आपको, राइट? अब एक आपके ऊपर डाउट आएगा, क्या सर मटेरियल? तो भाई जब लेबर ये वाला काम करते, अगर ये वाले काम करेंगे तो अभी तो 2 लाख रुपए खर्च करूंगा, नहीं, अब मैं अगर लेबर को यहां से हटा दूंगा और शिफ्ट कर दूंगा तो ये काम रुक जाएगा, जब काम ये होगा ही नहीं तो मटेरियल का खर्चा भी नहीं होगा, राइट भाई? तो ये मत कहना बेनिफिट टू बी अचीव, नहीं भाई, ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा मेटेरियल का खर्चा, और ये काम होगा तो मेटेरियल खर्चा होगा, तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस ले रहे हो ना, यानी जो आप 8 लाख रुपए कमाते वो नहीं कमा रहे, वो ऑफर से चार्ज कर लो। तो आप ये कहोगे कि लेबर को 5 लाख रुपए देने के बाद, मतलब लेबर अगर मुझसे 5 लाख रुपए लेगी, ठीक है, तो वो और पैसा खर्च करवा के, मतलब 2 लाख रुपए खर्च करवा के 15 लाख रुपए लाएगी, तो 5 तो लेबर के जाएंगे, तो 8 लाख रुपए जो मुझे बचते, 8 लाख रुपए जो मुझे बचते वो नहीं बचेंगे, ऑफर से चार्ज कर लो।
क्लियर पार्ट। और ये मत सोचना कि लेबर कॉस्ट तो सर बेकार है, यहां काम करोगे तो भी देनी है, वहां काम करोगे तो भी देनी, नहीं। पर अगर मैं कहीं काम नहीं करवाता तब थोड़ा देनी है, अगर मैं लेबर को खाली बिठाता तब थोड़ा देनी, हटा देता, कोई परमानेंट थोड़ी ना है। तो इसलिए रेलिवेंट है, काम करवाऊंगा तो दूंगा, मतलब रेगुलर काम करवाऊंगा तो रेगुलर की वजह से दूंगा, ऑफर करवाऊंगा तो ऑफर की वजह से दूंगा, और अगर दोनों काम नहीं करवाता तो मैं नहीं देता, राइट। अच्छा एक बात आप ऐसे समझ लो कि मेरे लेबर, हम ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे लेबर ठीक है क्या कहेंगे भाई, हम कहते हैं कि अगर तुम क्या करो मंदिर में जाते, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो अपना खाना खाते नहीं और मेरा ले आते, भाई अगर आप मंदिर में जाते, एक सिंपल से एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, तो अपना खाना खाते, ये उनका खाना है और ये मेरा, नहीं, क्लियर बात। तो अब अगर आप गुरुद्वारे में जा रहे हो नहीं, तो भी क्या करो, तो भी क्या करो, अपना ले आओ, अपना खाना ले आओ और मेरा भी ले आओ, तो चाहे आप मंदिर में जाओ चाहे आप गुरुद्वारे में जाओ, नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले भी आप अपना खाना खाते और मेरा लेकर आते, अब कहीं और जा रहे हो तो वहां से भी अपना ले आओ और मेरा भी ले आओ, क्लियर बात। ये इसलिए समझा रहा हूं पॉइंट कि कई दिमाग में आए कि सर 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है ये चार्ज कर लो, तो लेबर को भी तो देने, ये तो 8 लाख मेरी जेब में आएंगे ना, लेबर को देने के बाद, लेबर को देने के बाद ये 8 लाख रुपए मेरी जेब में आते। अगर मैं ऑफर से केवल 8 लाख रुपए चार्ज करता तो लेबर को पैसे कहां से देता, है ना, तो लेबर को देने के बाद मुझे 8 लाख रुपए बचते, वो नुकसान होगा। तो लेबर के पैसे भी रिकवर करो और 8 लाख रुपए भी रिकवर करो, बोलो क्लियर पार्ट, ये कहना चाह रहे हैं, राइट बे। चलिए तो अगर कैजुअल हैं, बिजी हैं, शॉर्ट सप्लाई हैं, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या बनी, लेबर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, लेबर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, राइट। अगर लेबर हमारे रेगुलर में बिजी हैं और वहां से शिफ्ट करके यहां लाओगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि लेबर को देने के बाद वहां कितने पैसे बचते, वो पैसे यहां से चार्ज कर लो और लेबर के पैसे, क्योंकि लेबर को तो आपको देने हैं ना, चार्ज तो करोगे तभी तो लोगे, राइट, नोट कर लो। अगला आता है परमानेंट और बिजी, बिजी का मतलब ही शॉर्ट सप्लाई होगा, बिजी का मतलब ही शॉर्ट सप्लाई होगा, आज नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, क्या कहते हैं, परमानेंट है और बिजी है, साथ में शॉर्ट सप्लाई तो होगा ही होगा, नहीं तो बिजी वाली बात बेकार हो जाती है, ठीक है। सेम एक्स वाई एन कंपनी है, ठीक है, हमारे पास लेबर परमानेंट है बिजी है, ठीक है, लेबर को खाली बिठाकर भी पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कहता है बट मतलब अभी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास 100 लेबर की बात है मेरे पास 100 लेबर, ठीक है, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फॉर नेक्स्ट 10 डेज की बात करूंगा कि ये रेगुलर काम करेंगे, बिजी है तभी तो बात कर रही है, पर परमानेंट है, परमानेंट का मतलब क्या हुआ, अगर काम ना होता तो भी खाली बिठाकर पैसे देता, अगर काम ना होता तो भी खाली बिठाकर पैसे देता मैं, राइट। चलिए अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि अगले 10 दिन में काम है फिलहाल, तो ये मुझे ध्यान से सुनना, 10 लाख रुपए, चलो 10 लाख रुपए कमा के 10 लाख रुपए रेवेन्यू ला के देंगे, ठीक है, उसमें मेटेरियल का खर्चा होगा 1 लाख,
अच्छा जी, लेबर को पैसे देने हैं 5 लाख, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का मार्जिन होता, मैं इसको बोल रहा हूं मार्जिन, ठीक है। अगर मैं रेगुलर काम में इनको इंगेज रखता, फॉर रेगुलर वर्क, अगर मैं इनको रेगुलर काम में बिजी रखता तो मुझे इतने पैसे ला के देंगे और इतना मेटेरियल का खर्चा होगा, ये लेबर की पेमेंट। चलिए, अब मेरे पास एक ऑफर आ गया, सेम। उस ऑफर की रिक्वायरमेंट भी क्या है कि उनको 100 लेबर चाहिए फॉर नेक्स्ट 10 डेज, राइट। अब ये लेबर बाजार से ला नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है, ये लेबर ला नहीं सकते क्योंकि शॉर्ट सप्लाई है, क्योंकि बाजार में आपके पास लेबर उपलब्ध नहीं है। तो क्या करोगे? ऑफर छोड़ो। मैनेजमेंट कह रहे नहीं, ऑफर मुझे एक्सेप्ट करना, तो मुझे बताओ, लेट मी नो द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, राइट। भी एक ही ऑप्शन है कि लेबर को शिफ्ट करोगे रेगुलर से ऑफर में, सेम बात। चलिए बताओ, जरा सोचो, सोच के बताना जरा, ऐसे नहीं जल्दबाजी में, नहीं। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, राइट, बताओ क्या होगी फॉर द ऑफर। देखो, सबसे पहली बात, लेबर कॉस्ट हमारी संक कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट हमारी संक कॉस्ट है, वहां नहीं थी, क्योंकि काम कराओगे तो पैसे दोगे, नहीं कराओगे तो नहीं दोगे, वहां पर थर्ड में। यहां आप रेगुलर में भेजो या ऑफर में भेजो या खाली बिठाओ, ये तो देनी देनी है, ये तो देनी देनी है। तो संक को इग्नोर करते हैं, संक को इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये तो आपको देना ही है ना पैसे, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर लेबर, अगर आप मंदिर में नहीं जाते तो मुझे तो खाना खिलाना ही था, समझ रहे हो? अगर मंदिर में नहीं जाते तो मुझे तो खाना खिलाना ही था, ये मतलब है। तो इसका, इसको तो हटाओ ना, तो मुझे तो खिलाना नहीं है, चाहे आप जाओ मंदिर जाओ, चाहे गुरुद्वारे जाओ, चाहे खाली बैठो, ये मतलब है, ठीक है। तो यहां से क्या कहोगे? ये संक कॉस्ट है। तो अगर मेरी लेबर, अच्छा मैं 1 मिनट रुको, मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूं। दूसरा, कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है, और ध्यान सुना, हमने क्या कहा था, कोई मटेरियल है मेरे पास, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी 100 रुपए की, बेकार पड़ा है, मैं अगर इसको आज बेच दूं, मान लेते हैं 120 रुपए में बिकेगा, बेचने से पहले ऑफर आ गया, अगर मैं इसको ऑफर में लगा दूं तो बताओ ऑफर से कितना चार्ज करते थे? ये तो नहीं कहते थे ना 100 रुपए की चीज 120 में बेच रहे हो, 20 का फायदा, नहीं। आप कहते थे ये तो संक है, जो पैसे आपको मिल रहे हैं अगर ऑफर में नहीं लगाते तो वही ऑफर से चार्ज कर लेते, यानी इग्नोरिंग संक, इग्नोरिंग संक। यहां भी वही बात करोगे, यहां भी वही बात करोगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या कहेंगे, लेबर को हटा दो तो कितना मार्जिन, लेबर को हटा दो तो कितना मार्जिन, यानी हम कोई 10 लाख रुपए की रेवेन्यू लाते 1 लाख का मेटल खर्च करके, तो 9 लाख रुपए कमा के देते हैं ना, तो आप यहां से चार्ज कर लो, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट इग्नोरिंग लेबर कॉस्ट ड्यू टू संक, ड्यू टू संक। बोलो, बात समझ में आ गई? लेबर कॉस्ट हमारी संक है तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा, तो भले आंसर दोनों में सेम आए बट प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी, क्योंकि आप ये कहोगे, आप अपने दिमाग में ये रखोगे कि लेबर रेगुलर काम में भेजता, लेबर को रेगुलर काम में भेजता तो अपने पैसे वो रिकवर करवा रहे थे और फिर 4 लाख रुपए दे रहे थे, समझ गए? तो यहां से भी मैं उनके पैसे तो रिकवर करूंगा ही ना, रिकवर होंगे। अब बस प्रेजेंटेशन, थॉट प्रोसेस अलग है, बात वही है बट प्रेजेंटेशन अलग है। मैं 5 लाख प्लस 4 लाख नहीं बोल सकता, क्योंकि 5 लाख ऑफर की वजह से नहीं दूंगा, तो मेरा सोचने का तरीका अलग हो जाएगा, क्या कि भी अगर मैं ऑफर में नहीं दे भेजता उनको, तो रेगुलर में
वो अपने पैसे रिकवर करवाने के बाद 4 लाख रुपए मुझे लाके देते। तो यहां भी अपने पैसे रिकवर करवाओ और मुझे वो लाके दो जो आप कमाते, यानी लेबर कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, यानी इग्नोरिंग लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो संग कर। क्लियर पार्ट बेटा? चलिए नोट करो इसको एक बार। चलिए अब इसको एक बार शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर है ना, हाँ जी, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट हम कहते हैं अगर हमारे लेबर कैजुअल हैं, राइट, या फिर परमानेंट है, कैजुअल है, ठीक है, और बाजार से ला सकते हैं, शॉर्ट सप्लाई नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजी भी नहीं है, नॉट इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है, कैजुअल है, जब मर्जी चाहो ले लो, तो लेबर कॉस्ट रेलिवेंट होगी, कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू ऑफर। परमानेंट है और आइडियल बैठे हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे? नील, आप काम करा लोगे, पेमेंट तो वैसे भी देनी है। चलिए कैजुअल है प्लस बिजी है, बिजी के साथ में शॉर्ट सप्लाई तो होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी बात बेकार हो जाएगी, अर्थ नहीं रहेगा। तो अगर कैजुअल है तो इसका मतलब काम कराओगे तो पैसे दोगे, तो भैया जो लेबर को पैसे दोगे वो चार्ज कर लो ऑफर से, और जितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा के दे रहे थे वो लूज होगा, वो चार्ज कर लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी लॉस्ट। ओके, ठीक है, चलिए परमानेंट है, खाली बैठे हैं, तो पैसे तो देने ही देने हैं, संग है, इसको छोड़ दो, नहीं तो केवल आप कहोगे बेनिफिट टू बी लॉस्ट, बेनिफिट टू बी लॉस्ट, राइट, इग्नोरिंग इग्नोरिंग लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो संग है, क्योंकि वो संग है। बोलो क्लियर पार्ट भाई? तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, मेन बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा लेबर का नेचर कैजुअल, अगर लेबर का नेचर नहीं दिया साइलेंट है तो कैजुअल, परमानेंट तभी मानोगे, परमानेंट तभी मानोगे जब आपको कहेगा, राइट, 3 बातें क्या? आइडियल वेजेस, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल,
टू टर्मिनेट रिट्रेंच्ड, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब पेरोल पर आ जाते हैं, उनको तो फिर पर मंथ पैसे देते। तो अगर कोई तीन बातें हो इनमें से तो वो परमानेंट है, राइट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, राइट, तो क्या कहोगे? हमेशा कैजुअल मानोगे। ओके, चलिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो कैजुअल मानोगे, ये नहीं है स्किल्ड है तो ये मान लो, अनस्किल्ड है नहीं तो नेचर होता है, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, अनस्किल्ड, कोई भी कैजुअल हो सकता है, कोई भी परमानेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो कैजुअल, और अगर तीनों में से कोई भी बात लिखी है तो परमानेंट, राइट भाई।